बात को समझ सकते हैं। एंड एक ही व्यक्ति सारे सब्जेक्ट को डिलीवर करेगा तो देन इट विल बी अ मोर ऑफ बुकिश नॉलेज ज्यादा देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज। सो हमारी कोशिश रहती है जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करता है, रखता है, प्रैक्टिस करता है, काम करता है, वही फैकल्टी उस सब्जेक्ट को डिलीवर करे सो दैट यू विल एबल टू गेट बुकिश प्लस एक्सपीरियंस नॉलेज विच यू कैन रिलेट इट इन योर जर्नी ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, एकेडमी ऑलवेज ट्राई टू फैसिलिटेट इन टर्म्स ऑफ ज्ञान कंटिन्यूस, एंड फॉर दैट मैटर एकेडमी कोशिश करती है कि आप लोगों को जो एक डिलीवरी हुआ सब्जेक्ट वो एक बारी में जनरली याद नहीं रहता पूरा। हमारी अपनी कैपेसिटी है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 50% अटेंड करता है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। 100% अटेंशन एक बारी में नहीं आती है। फॉर दैट मैटर एकेडमी प्रोवाइड्स वीडियोज एंड एकेडमी प्रोवाइड वन टाइम रिपीट फ्री, ताकि आप एक बार दोबारा रिपीट करें तो आपको दोबारा से अच्छे से ज्ञान में वो सब्जेक्ट आ जाए। दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस एकेडमी। अनदर थिंग इज दैट एकेडमी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ मोटिवेशनल फैक्टर टू दी टीचर्स और दी प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड, इन देयर फील्ड, जो एकेडमी के पास नहीं भी होते सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि वो अपना ज्ञान लोगों तक दे सकें, ले आ सकें। एंड एज आई सेड दिस इज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी, सो दी अमाउंट इज ऑलवेज बी ऑन अ लोअर साइड दैट वे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एकेडमी की विशेषताएं हैं। एकेडमी को आज हमें रन करते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, और 3 साल से हमारा यही मोटिव रहा है, आगे भी हमारा यही मोटिव रहेगा। आप लोगों के साथ है, इसके साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज एकेडमी करीब 150 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कर रही है, और उन 150 सब्जेक्ट्स को करवाने के लिए करीब 10 से ज़्यादा फैकल्टीज हमारे पास हैं। वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 30 पीपल्स डूइंग दी कोर्सेज एंड 365 डेज राइट इन ईयर। कमिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ टूडेज, आज का सब्जेक्ट फेंगशुई से रिलेटेड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के विषय में तो सब्जेक्ट मास्टर आपको बताएंगे, बट आई कैन टेल यू अबाउट दी मास्टर। द मास्टर इज कमिंग आफ्टर ए गैप ऑफ से अबाउट 8 to 9 months और मे बी 10 months। शी इज स्टार्टिंग दी जर्नी बिकॉज ऑफ आवर ओन रिक्वायरमेंट्स, लाइफ रिक्वायरमेंट्स, शी हैज टेकन द गैप। आफ्टर दैट नाउ कंटिन्यूइंग, बट ऑन द सब्जेक्ट मैटर शी हैव अ परफेक्ट मास्टरी ओवर दी फेंगशुई। फेंगशुई जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेटर शी विल डर बिकॉज शी इज अ मास्टर फॉर दैट सब्जेक्ट, इज ए साइंस ऑफ द चाइनीज यूजली बीन टोल्ड एस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इन्होंने साइंस ये सीखी भी उन्हीं लोगों के माध्यम से जो लोग इस सब्जेक्ट के जन्मदाता हैं। एंड जब हम रूट के साथ जुड़ के किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसकी जो गहराई है वो हमें प्राप्त होती है, और जब हमें ग्राह्य प्राप्त होती है तो हमारे पास इफ एंड बट नहीं होते, क्लैरिटी होती है सब्जेक्ट पे, जुगाड़ फिट नहीं होता राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए कि हम उस व्यक्ति से जाने जो उस रूट के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने सब्जेक्ट का अध्ययन उनके पास जाके रह के किया है, उन लोगों के पास, उसके लिए वो सिंगापुर या और विदेशों विदेश में गई हैं, वहां जाके उनके पास टाइम स्पेंड किया है, वहां जाके रहे हैं, वहां जाके रह के उन लोगों से समझा सीखा जिन्होंने उसको बरता, जिन्होंने जो उनकी रूट से जुड़े हुए हैं। सो शी कैन एबल टू कनेक्ट विद द रूट्स ऑफ द फेंगशुई, ताकि इसके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो सही से कनेक्ट हो, और जो उसके मीथ है वो सही से समझ में आ सके। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट। आई विल टेल वन थिंग, फेंग शुई इज अ सो कॉमन सब्जेक्ट, यू कैन फाइंड इट इजली ऑन टू द यूट्यूब एंड एवरीवेयर, बट सिंस इट इज नॉट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ इंडिया प्योरली, हम सबके पास वो ज्ञान है जो वेरियस माध्यम से आया और रूट से नहीं मिलता। नाउ इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू गेट द साइंस, द नॉलेज फ्रॉम द पीपल हु लर्न फ्रॉम द रूट्स ऑफ दिस फेंग शुई, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट। बहुत टाइम स्पेंड किया इन्होंने, करीब उनके पास 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है इन सब्जेक्ट्स का। ऑकल्ट साइंस में तो इनके परिवार से ही है, ऑकल्ट साइंस में तो इनके जन्म से पहले इनके दादा परिदादा इनके लाल किताब के मास्टर्स रहे हैं, और रूपचंद जी, रूपचंद जोशी जी जो लाल किताब के जन्मदाता थे, उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं, उनके परिवार के साथ कनेक्टेड रहे हैं। तो ज्योतिष
तो मैं बोलूंगा उनके ब्लड के अंदर ज्योतिष की धारा बहती है, तो दैट वे शी इज बीन फ्रॉम द बर्थ इट सेल्फ कनेक्टिंग टू दी ऑकल्ट साइंसेस। बट अपना उन्होंने कैरियर करीब 25 साल पहले शुरू किया, मतलब एज ए कैरियर, नॉट एज ए लर्निंग। लर्निंग तो बचपन से ही मिलती थी घर में ही, कैरियर स्टार्ट किया। एंड द फेंग शुई इन्होंने करीब 20 साल पहले जब इन्होंने सीखना शुरू किया, एंड विद दी क्यूरियोसिटी देन शी वेंट टू दी पीपल ऑफ ओरिजिनिंग फ्रॉम दी द पिक्चर लैंग्वेज पीपल, एंड देन पिक्चर लैंग्वेज पीपल के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ रहे, उनके साथ सीखा, एंड शी गेट द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ फेंग शुई। टूडे इज द डे फॉर द फेंग शुई एंड टूडे इज द डे फॉर आवर मास्टर ऑफ फेंग शुई डॉक्टर नीति जी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नीति। डॉक्टर नीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड थैंक यू, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ लॉन्ग ब्रेक, गुड टू सी थैंक यू, यू सर, थैंक यू। ग्रेट। सो नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू यू, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन इन द रिगार्ड ऑफ द टूडेज मास्टर। दैट्स योर रिगार्ड टू द मास्टर, दैट्स योर आई मीन वेल यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आप कुछ सीख रहे हो अपने मास्टर से तो उस मास्टर का उस समय का रिगार्ड तो होना चाहिए, ये हमारी शिक्षा कहती है। तो अपने रिगार्ड को देते हुए, मास्टर को रिगार्ड को देते हुए अपना अपना वीडियोज ऑन रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। नीति जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम एवरीबॉडी फॉर द सेशन ऑफ फेंग शुई। आज इस सेशन से आपको काफी चीजें पता चलेंगी जो हम लोगों को एक अलग तरीके से फेंग शुई को बताया गया, और असली में फेंग शुई जो है वो कैसे काम करती है। ये जो कोर्स हमारा जो रहेगा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी रेमेडीज खुद बना पाएंगे एलिमेंट्स के बेसिस पे। मैं ये नहीं कहती कि हमें सिर्फ चाइनीज जो रेमेडीज हैं उनके जो सिंबल्स हैं हमें वो यूज करने हैं। नहीं, हमारा शास्त्र बहुत बहुत बड़ा है और उसमें भी जिक्र मिलता है इन सिंबल्स का जो बाहर के लोग भी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो यूज करना है और कैसे इसको समझना है उस हिसाब से हम लोग इसको कर पाते हैं। और उसमें जो बेहतर आपको जो यहाँ से इस कोर्स से जो आपको मिलेगा वो बेसिक टू एडवांस, मतलब इसके बाद आपको कुछ फेंशुई के सब्जेक्ट के बारे में जानने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आपसे गारंटी, क्योंकि इसके अंदर हम खाली फेंशुई को कवर नहीं करेंगे। हम आपके घर का वास्तु जो जिसको हम कहते हैं कि लोग कंपस लेके निकलते हैं, आप यहाँ पे बुद्धा रख दें, आप यहाँ पे वाटर फाउंटेन रख दें, आप यहाँ पे बैम्बोज रख दें, ये फेंशुई नहीं है। जैसे हमारी कुंडली 12 घर हमारे लिए काम करते हैं, वैसे ही हमारा जो फेंशुए है वो हमारे लिए काम करता है। फेंशुए भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ब्रांचेस हैं। जैसे हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी में आपको पराशरी मिलेगी, भृगु नंदी नाड़ी मिलेगी, केपी मिलेगी, ऐसे ही फेंशुए के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। वो लोग भी चार्ट्स देखते हैं, वो लोग भी आपका टाइम ऑफ बर्थ देख के आपको बताते हैं। खाली ये कह देना कि आपका घर का जो नॉर्थ है वहां पे आप पानी लगा दें, फायर जो जोन है साउथ का आप वहां पे जी कैंडल लगा दें, ये सब फेंशुई नहीं है, ये गलत है। आपकी अपनी पर्सनल फेंशुई है, आपके घर की अपनी पर्सनल कुंडली है। फिर उसके बाद बाजी करके जो चार्ट आता है, 4 पिलर ऑफ डेस्टिनी, वो काम करती है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। फ्लाइंग स्टार्स, जैसे हम लोग ट्रांजिट को देखते हैं वैसे वो लोग फ्लाइंग स्टार्स को देखते हैं। हर साल उनके भी फ्लाइंग स्टार्स मिले। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ड्यूक टाइसुई जो जुपिटर का जो ट्रांजिट रहता है, वो लोग भी सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट को नोट करते हैं। उनकी भी जो फेंशुई है ईयर की, वो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न चलती, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ लोग उसका सामान बेचने के लिए बैठे हैं कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, सिंबल्स डिफरेंट एनिमल्स, मतलब। और एक और बात कि जो हम चाइनीज कॉइन्स की बात करते हैं कि हर चीज में उनके 9 एम्परर कॉइन्स हैं, चाइनीज कॉइन्स हैं, क्योंकि वो उनकी करेंसी है। आप जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें सुन रहे हैं या आप फेंगशुई को करना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं, आपको वो सारी चीजें इस कोर्स से मिलेंगी कि जो आप खुद बना पाओगे।
और जो काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के अकॉर्डिंग आप उसको दोगे, आपके साथ में कोई और वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि भाई इसके लिए क्या चीज काम करेगी, और आप रेमेडीज और क्योर्स खुद बनाओ, जो कि हम पूरा इस कोर्स में आपको बताएंगे। और एंड ऑफ द सेशन में आप सबके लिए एक स्पेशल रेमेडी मैं दूंगी, जो इस साल के लिए आपको करनी है अपने घरों में, और वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, विच विल ओपन, आपका पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, नए नए पैसा आने के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वो 2024 की रेमेडी है। तो क्या इस साल में है, क्या अगले साल में होगा, आप कैसे जानोगे? आप सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं, जिन जो फेंगशुई में इंटरेस्टेड है, एक यूट्यूब का चैनल देखा, एक कोई गूगल पे पढ़ लिया, हर इंसान की अपनी अपनी राय है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उसका, या जिन्होंने फील्ड में काम किया, जिन्होंने चार्ट्स किए हैं, जिन्होंने घर जा जा के लोगों को पढ़ा है कि भाई यहाँ पे, आप ये मुझे बताएं कि अगर इतना आसान होता कि भाई नॉर्थ में एक वाटर फीचर लगाने से, तो हम सब अमीर होते ना, हम सब टाटा अंबानी होते, हम क्यों रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, क्यों हमारे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में? कई बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम लोग सब अलग हैं एक दूसरे से, हम अपनी अपनी जो लक है उसको अपने साथ लेके आए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको एनहैंस कैसे करें, हमारा चार्जर किधर है, हम कौन सी दिशा में वो चार्जर कनेक्ट करें तो हमें वहां से पैसा मिलेगा। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, हिंदू भी यही मानते हैं, चाइनीज भी यही मानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कोई भी ऑकल्ट साइंस उठा लो, वो कहेंगे आपका शरीर पांच तत्वों से बना है। जब बेस हमारा पांच तत्व है, आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि कौन सा तत्व हायर है कौन सा लोअर है, उस हिसाब से वो आपको दवाइयां देते हैं, हम सफर भी उस हिसाब से करते हैं, बट लोग जो हैं वो खाली ये कह देते हैं नॉर्थ में ये लगा लो, साउथ में ये लगा लो, ईस्ट में ये लगा लो, नहीं, आपके शरीर में या आपकी लाइफ में कौन सा तत्व मिसिंग है, या आप जिस दिन पैदा हुए वो कौन सा तत्व आप कम लेकर आए हो, उसको कैसे आप जानोगे, कैसे एनहैंस करना है, ये सारा जो सीक्रेट कोड है, ये आपके फेंगशुई में जो फोर पिलर ऑफ डेस्टिनी है, जिसको हम बाजी कहते हैं, उसमें सब छुपा है। आप उसमें ये भी देख पाते हो, जैसे हम लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी में होरारी लगाते हैं या प्रश्न कुंडली लगाते हैं, सेम चीज वो लोग भी करते हैं। हम जितने ऑर्थोडॉक्स हैं या हम जितने सुपरस्टिशियस हैं, चाइनीज हमसे डबल हैं। हम इंडियंस अपने माँ बाप को या अपनी ज्वाइंट फैमिलीज को इतना संभाल नहीं पाए पिछले कुछ सालों में, हम सब अलग अलग रहना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली से अलग होके फ्रेंड्स में जीते हैं, लेकिन चाइनीज आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। वो जो है वो अपने, उनके माँ बाप को देखो, उनके घर में देखो, वो आज भी ज्वाइंट फैमिलीज में है, उनको भी वही सब चीजें बताई गई जो हमें बताई गई, उनके भी वही रेमेडीज हैं, वही दादी माँ की कहानियां हैं उनके पास भी जो हमारे पास है, बट वो यूज कर रहे हैं, हम भूल चुके हैं, या हम यूज नहीं करना चाहते, हम ये कहते हैं अरे ये तो पुरानी दकियानूसी बात है। और फेंशुई का एक चीज मैं और आपको फायदा बताती हूँ कि आप लोगों को फेंशुई में क्या चीज, क्या फायदे हैं इसके जानने के। पहला, आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होता है कि दुनिया में क्या क्या होता है, ऑकल्ट साइंसेस कहाँ कहाँ तक है, क्या उसके कहाँ तक वो फैली हुई है। दूसरा कि भाई आप जो हैं, हम वास्तु में, हमें चीजों में बहुत सारी हर जगह डिगिंग करनी है या कुछ तोड़ना है, या ये मर्मा पॉइंट पे कोई चीज आ गई तो हम परेशान हो जाएंगे, हमें ये बता दिया जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा तो वो दिमाग का खेल है, लेकिन फेंगशुई में ऐसा नहीं है, फेंगशुई में हर चीज का क्योर है, वो आपको ये बता देंगे कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे सॉर्ट आउट करें। तीसरी चीज कि भाई कभी कभी आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो अलग मजहब के होते हैं, जैसे मैं दुबई में बेस्ड हूँ, मेरे पास
मिक्स कल्चर है, मेरे पास वर्ल्ड से हर कंट्री से लोग हैं, तो मैं उनको सिर्फ वास्तु या लाल किताब या केपी या उससे एडवाइस नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा एक मैं एक जगह मेरे को पता होता है कि भाई सामने वाला इस चीज को कैसे लेगा, तो मुझे ब्रॉड वे में जाना होता है, तो मुझे चीजें क्रिएट करनी होती है सामने वाले के लिए, ताकि उसको उसके रिलीजियंस से रिलेटेड कोई चीज मैं किसी को ना दूं, ना मैं उसमें अनबायस्ड कस्टमर के लिए, तो वो चीज आपको फेंगशुई सिखाती, बिकॉज जो रेमेडीज जो क्योर्स हम बनाएंगे, एक तो वो पर्सनल होंगे सामने वाले के, दूसरा आप उसको खुद क्रिएट करोगे, तीसरा वो मार्केट में उसको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं, एक तो आपको उससे भी फायदा होगा, दूसरा आप सबसे अलग दिखोगे इस फील्ड में, कि भाई आपको कुछ डिफरेंट आता है। अब फेंगशुई का एक और फायदा है कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी और अपने शास्त्र को भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जब हम दूसरे साइंस को देखते हैं, जो कि हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, हम जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि प्राशरी भृगु नंदी या भृगु प्राशर जो भी हमारे पास किताबें हैं, उस आप जैसे या मेरे जैसे लोगों ने उसको इंटरप्रेट करके लिखा है वापस, हमें ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिली, तो कितनी सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं, और हम करवाते हैं सामने वाले को, वो कहता है जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो रीजन बीइंग कि हमें जो सिखाया गया हमने वो सीखा और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, और अब तक की जो इतने साल की जो जर्नी रही है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की, उसमें हर इंसान जो भी जुड़ता है वो कुछ नया ऐड करता है, और वहां से वो खिचड़ी पकती आ रही है। तो फेंगशुई को इस कोर्स को जब आप करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें अपनी भी एस्ट्रोलॉजी की क्लियर हो जाएगी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी मतलब आपको अपनी इस हिंदू एस्ट्रोलॉजी से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि आप उसको सोचोगे कि भाई ये तो बिल्कुल सही था जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा था, सामने वाला हमें उसको नाम चेंज करके गिफ्ट रैप करके हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, अरे वाह ये तो कोई नई चीज आई हमारे पास, नहीं ये तो हमारी फैमिली में बचपन से होता आ रहा है लेकिन हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हर ऑकल्ट साइंस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई कोई डिफरेंट नहीं है, बट उसका पेश करने का नजरिया अलग है, उस तरीके को जब हम तरीके को हम लोग लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि डिफरेंस कहाँ आता है, कहाँ पे चीजें चेंज होती है। अब आप ये देखो कि भाई दे हमारे हिंदू उसमें कि भाई हमें दान करने को कहा जाता है, हम दान करते हैं, अब आजकल तो मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि भाई इंडिया में अब तो गरीब लोग या स्वीपर्स और प्लेट आप दे रोटी दान भी रखने नहीं का ना लेते हैं, मतलब चाहिए, आजकल सब्जी दे दान लेने को रोटी भी उनको प्रॉब्लम होती है कि भैया हम क्यों लें, रखते तो अब वो चीज भी उनको भी समझ में आ रही है कि भई ये अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है, तो फेंगशुई में आप क्रिएट करते हो, बैलेंस करते हो चीजों को, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वास्तु में यहाँ पे ये नेल लगा दो, यहाँ पे ये पिरामिड लगा दो, आप अपने ही ऊर्जा को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आई डोंट से कि इट्स नॉट अ साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस एंड इट हैज अ डीप मीनिंग, जो वास्तु करते हैं जिनको वास्तु से रिजल्ट्स आते हैं, मगर उसमें आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है, और जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगा, बट फेंगशुई जो है वो तोड़फोड़ नहीं करती है, आपने एक चीज प्लेस करी उसको देखो, आपने साल के जितने भी हमारे स्टार्स चेंज हो रहे हैं हम उसको पकड़ते हैं। मेरे को फेंगशुई क्यों पसंद है, मतलब मैं क्यों इसको यूज करती हूँ और मैं कहाँ इसको यूज करती हूँ, मैं इसको यूज करती हूँ जब मेरे सामने जो क्लाइंट बैठता है और वो थोड़ा सा जो है वो रिजिड होता है, उसको अगर मैं बोलूंगी कि भाई आप गाय को चारा डाल दें या आप ये कर दें, वो कहेगा इतना सारा काम, और दुबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये करना भी मुश्किल है, बाहर भी जो लोग रहते हैं वो उनके लिए भी करना मुश्किल है, प्लस इवन कि इंडिया के अंदर भी आजकल जो है
काफी मुश्किल है चीजें करना। फिर उसके बाद फेंगशुई कहाँ काम करती है कि जब मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप, और प्लस हम लोगों को एक ये भी पड़ गया है कि हमारे घर बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होने शुरू हो गए, हम उसको डेकोरेटिवली रखना चाहते हैं कि भाई सामने वाला आए और वो कहे क्या आलीशान घर है इनका, ये कितना सुंदर वास, यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट है, यहाँ पे वाटर फीचर है, यहाँ जी पे ये बॉन्साइज है। तो ये हाँ सारी चीजों में जब हम इतना ध्यान देते हैं अपने कपड़ों पे, अपनी ग्रूमिंग कहाँ नहीं ग्रूमिंग पे, जाएंगे। तो उस हिसाब से फेंगशुई काम करती है कि भाई आपके घर कोई आए उसको पता ही नहीं चले कि भाई आपने फेंगशुई करी हुई है। वास्तु का तो पता चलता है, यहाँ पे भी दुबई में भी आप कितने लोगों के घर से बाहर से गुजरो, ओम लगा है और वो अलग तरह के पिरामिड्स लगे हैं और वो सब लगे हैं, पता चलता है कि भाई ये घर वास्तु से हुआ हुआ है, लेकिन तोड़ नहीं सकते आप, वहीं पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो उसके लिए जब हम फेंगशुई को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है बस कि वही बात एवरीथिंग कैन बी मेंडेड है। अगर आप उसको टाइमली पकड़ लो। प्लस इट्स जस्ट नॉट द साइंस टू कीप ऑब्जेक्ट्स, एडिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू द हाउस। फेंगशुई खाली आपके जो इंडिया में या शॉप्स में वो जो सिंबल्स मिल जाएंगे, एम्परर कॉइन्स मिल जाएंगे, या आपको बगुआ मिरर मिल जाएगा, या आपको कुछ जैसे बेल्स मिल जाएंगी या विंड चाइम्स मिल जाएंगी, इट इज जस्ट नॉट दैट। उससे बहुत बढ़कर है ये जो क्योर्स हम करते हैं या अपने घर में लगा रहे हैं, ये आपको हार्म भी कर सकते हैं अगर हमने उसको नहीं जाना कि हम किधर लगा रहे हैं, उसका फ्लाइंग स्टार क्या है, आपकी कुंडली में क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज। और आप ये भी देखोगे कि जब आप इस चीज को सीखोगे, जो उनकी जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, आप अपनी इंडियन कुंडली, हिंदू कुंडली से भी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ मेरा ये प्लेनेट यहाँ बैठा है और मेरे को यहाँ पे भी यही दिख रहा है। हम दशाएं देखते हैं, हमारा 120 साल का दशा का विषुवत्री दशा का वो है, ऐसे ही इनका भी 120 साल का है, इनकी एक साइकिल 60 इयर्स की होती है। और इन इनके जो लोग हैं, जो चाइनीज ओल्ड पीपल हैं, वो हमसे ज्यादा हेल्दी हैं। वो लोग 95 96 इयर्स तक जीते हैं बिकॉज उन्होंने सारी जिंदगी में अपने वो पांच तत्व को बैलेंस किया, फाइव एलिमेंट्स। हम भी तो यही कहते हैं फाइव एलिमेंट्स। और हम जब अंतिम संस्कार होता है हमारा, तो भी हम कहते हैं कि ये जो शरीर है ये पंचभूत शरीर है, ये पंच तत्वों में मिल जाना चाहिए। शुरुआत ही पंच तत्व से होती है और एंड भी हमारा पंच तत्व में होता है। तो वो जो पंच तत्व की जो बात आती है, जो फाइव एलिमेंट्स की बात आती है, हम उसको जिंदगी में नहीं कर पाते। अब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि भाई फायर एलिमेंट आप में बहुत है फायर एलिमेंट, बट आप कैसे उसको ठीक करो, आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई कितना फायर एलिमेंट है मेरे पास, मैं क्यों दवाइयां खाऊं, मैं क्यों एंटी एसिड्स खाऊं। तो ये सारी चीजें जो है, और आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आपकी बॉडी जो ऊपर वाले ने हमें दी है ना, उसका इलाज भी हमें में दिया है, पंच तत्व, एवरीथिंग, द की टू योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी इज फाइव एलिमेंट्स। अब ये फाइव एलिमेंट्स जो है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं जाके, हेवनली ब्रांचेस हैं, अर्थली ब्रांच स्टेम्स हैं, उसके बाद आपके अपने साइंस हैं, आपका अपना टाइम ऑफ बर्थ है, ईयर्स हैं, फ्लाइंग स्टार्स हैं, वहां वहां जाके कनेक्ट होते हैं। अब आप ये सोचो कि हम जिस घर में रहते हैं, खाली वो घर हमें इफेक्ट नहीं करता है, वो एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं करती, खाली हमें एनवायरमेंट जिसमें हम रहते हैं या जहां जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो चीज भी हमें इफेक्ट करती है, जिन लोगों से हम मिलते हैं वो चीज भी हमें इफेक्ट करती है, जब हम स्विच वर्ड्स को यूज करते हैं या हम, तो
कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं इन फाइव एलिमेंट से, जो फेंगशुई हमें सिखाता है कि हाउ टू बैलेंस। अगर हमारे जो चक्र हैं, मेडिटेशन करने को आपसे कहें भाई आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम या 2 घंटा सुबह, एक सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दे, तो आप सोचो कि यार क्या जिंदगी है, मैं ऐसे कैसे जीऊं, और ये टाइम क्या है, ये तो मॉडर्न टाइम है, मैं ऐसे कैसे जीऊं। तो इट्स वहां पे फेंगशुई एंटर करती है टू गाइड यू कि आप मॉडर्नाइज वे में ये कैसे अपने फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हो अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में। तो ये फेंगशुई है। फेंगशुई में हम फेंग को कहते हैं विंड और शुई को कहते हैं वाटर। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक लाइफ का फ्लो है, बच्चे ने सांस लिया, बच्चे ने खाना खाया, बड़ा हुआ, शादी हुई, सब होता है हमारी जिंदगी में, वो एक फ्लो है। तो वो उसी फ्लो को वो हमें बताते कि जो फेंगशुई है वो किस चीज से बनी है। प्लस फेंगशुई में वो ये कहते हैं कि हर आदमी 3 लक लेके पैदा होता है। हम भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी हम यही कहते हैं भी, हमारे कर्मास हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई एक हेवनली लक है, एक अर्थ लक है, और एक आपका अपना लक है। एक हेवनली लक क्या हो गया अभी, आपके प्रारब्ध कर्मा जो आप जो वहां से पीछे से लेकर आते हो, एक जो आप अब करोगे, तीसरा जो है आप जिस भूमि पे रहते हो उसका क्या इन्वायरमेंट है, उसका लक है। तो ये जो 3 लक्स हैं वो हमें भी बताया गया। हम यही कहते हैं ना अपने सबको कि भाई अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि आपने आगे भी जाना है, यही नहीं रुक जाना आपने, आगे की जर्नी आपकी सुखद रहे, इस वजह से हमें कहा जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखो। तो वो भी वही कहते हैं कि भाई आपका जो पीछे से लेकर आ रहे हो वो आपका जो हेवनली लक आ रहा है वो कितना था, जितना लेकर आए हो उतना आप यूज करके आगे कुछ नहीं जोड़ोगे, तो आगे जाने का आपको मतलब ही नहीं है, आप कहाँ से जाओगे। फिर हम भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को देखते हैं, वो भी इस चीज को देखते हैं। हम भी ये कहते हैं कि भाई हमारे 12 घर हैं, 12 महीने हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई 12 अर्थली ब्रांचेस हैं। हम 12 तरीकों से अपने इस धरती पे जुड़े हैं, 12 खाने हैं हमारे पास, वो भी यही कहते हैं कि भाई हमारे जो है अपने रिश्तेदार जो हमसे जुड़ती हैं सोल्स, वो हमारे कोई ना कोई कर्ज है, हमने जिसको जिसको चुकाना है। उसके अंदर जो फेंगशुई में आप देखोगे कि इट इज अ वेरी सिंपल साइंस, येट इट इज कनेक्टेड टू आर ओन साइंस। इट इज नॉट डिफरेंट बट यस इट इज प्रेजेंटेड इन अ मॉडर्नाइज वे, इजी वे, जो कि हर किसी को पसंद आता है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा ग्लैमरस हो गए हैं, हमें नॉर्मल चीजें देख के इतना आकर्षण नहीं होता है, हमें चाहिए होता है कुछ नया कि मैं यहाँ पे ये वास रखूं, मेरा काम भी हो जाए और सामने वाले आके मेरी तारीफ भी करे, अरे कितना सुंदर वास है। तो फेंगशुई में आप क्योर्स खुद बना सकते हो। तो उसके लिए जो है आपको कुछ भी ऐसा बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेंगशुई में भी 4 सीजन्स है, 5 एलिमेंट्स है, 8 डायरेक्शंस है, 12 ब्रांचेस हैं, 24 मेन डिविजन्स हैं ऑन देयर कंपस, और जो नंबर्स हमें दिए गए हैं लोशु ग्रिड में उसको हम की फ्लो में मैनेज करते हैं। वो शैन और शुई को मानते हैं, माउंटेन एंड रिवर्स को मानते हैं, हम भी उन्हीं को पूछते हैं। हिमालयस है हमारे लिए और रिवर्स जो है गंगा है, वो भी उसी को पूछते हैं, हम भी उसी को पूछते हैं। हम भी मेल फीमेल की एनर्जीज को मानते हैं, वो भी यांग एंड यिन की एनर्जी को मानते हैं। हमारे पास भी 3
हम कहते हैं कि भाई आपके कर्मा है, वो भी हेवन मैन एंड अर्थ को कहते हैं। हमारे पास भी फोर कार्डिनल डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, उनके पास भी फोर है। उनके पास हमारे भी जैसे एनिमल्स, हम जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, हम इन चारों को उनके अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं भगवान को। तो उनके अपने अपने एनिमल्स हैं, उनके भी चार एनिमल्स हैं, वो भी चार सीजन मानते हैं, हम भी चार सीजन मानते हैं। वो यंग को कहते हैं कि भी गर्म है, यिन ठंडा है, तो हम भी यही कहते हैं कि भाई जब हम हमें ठंड लगती है तो हमारी एनर्जी सिकुड़ जाती है बॉडी, जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, तो वो भी यही बात कहते हैं कि हॉट एंड कोल्ड। इसी तरीके से हर साइंस अपने में कनेक्टेड है। हम वो कहते हैं कि भाई ईस्ट में वो ग्रीन मानते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई ईस्ट में जो है आपके पास ग्रीनरी है, वो भी कहते हैं कि साउथ में फायर है, हम भी साउथ में फायर मानते हैं। वेस्ट में वो कहते हैं कि भाई इट्स अ मेटल, हम भी वेस्ट मेटल को मानते हैं। नॉर्थ में वो कहते हैं पानी, हम भी नॉर्थ में पानी को कहते हैं। कोल्डेस्ट सीजन जो आता है हमारा, वो भी नॉर्थ में आता है, उनका भी नॉर्थ में आता है। वाटर को वो शुई कहते हैं, फायर को वो वू कहते हैं, वुड को वो मू कहते हैं, मेटल को वो चीन कहते हैं, अर्थ को वो टू कहते हैं। तो नाम अलग है लेकिन काम वो जो तत्व है वो वही कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका अलग है। अब मैं आपके साथ स्लाइड्स को शेयर करती हूँ, उसमें आपको बेसिक मैं दिखाना चाहूंगी। सर मुझे आप शेयर करने का ऑप्शन दे दें। बिल्कुल टेन हेवनली स्टेम्स एंड 12 अर्थली ब्रांचेस। टेन हेवनली स्टेम्स जो आपके पास होती हैं और 12 अर्थली ब्रांचेस जिनको उन्होंने यिंग एंड यांग में बांटा हुआ है, मतलब मेल और फीमेल की शक्ति में। जैसे हम आदि शक्ति को ये कहते हैं कि भाई हर हमारा मेल गॉड जो है उसके पीछे एक फीमेल रूप भी है उसका, वैसे ही वो यिंग एंड यांग को मानते हैं। बेसिक सा फंडा है जो हमें बचपन से पता है, उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे लिए। उसके अंदर जो आपको ब्रांचेस दिखेंगी हेवनली स्टेम की, जो 10 ब्रांचेस हैं उनका नाम है जिया, यी, बिंग, डिंग, वू, जी, चेन, जिन, रेन, गुई। अब ये जो ब्रांचेस हैं, ये आपकी, आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन रेन इज अ वुड, यांग वुड। जो आप ऊपर देखें कि जो व्हाइट में है वो यांग है, हाई एनर्जी, और जो ब्लू में है वो यिन एनर्जी है। यानी उन्होंने हर अपनी जो हमारा जो एक पहलू है, हर मेल में फीमेल भी है और फीमेल में मेल भी है, उसी हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि हमारे जितने पंच तत्व हैं शरीर में उनको हमने 10 पंच तत्वों में दिया हुआ है। हर पंच तत्व को उन्होंने आधा आधा बांटा हुआ है, आधा मेल है आधा फीमेल है। अब आप मेल तरफ हैं या फीमेल तरफ हैं, उस हिसाब से आपको जो है अपनी रेमेडीज को करना पड़ेगा। हम खाली क्या करते हैं, वुड है,
अरे आपका कुआ नंबर जी नंबर 3 है, अरे आप तो ईस्ट पर्सन है, आपका जो है वो मेटल होगा, आपका वुड होगा, हम उसी को एनहांस करते रहते हैं। यहां तक कि हम हाथ में भी वुड के बीड्स पहन लेंगे, भैया मेरा तो वुड एलिमेंट कम है और मेरी तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो मैं तो जी मैं वुड पहन रहा हूं। नहीं, उसमें कितना वुड है, क्या पता आपके पास उनके जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है उसमें वुड हो, तो उस हिसाब से जो है आपको उस हिसाब से इसको लेना है। फिर 10 जो हमारी जो 12 अर्थली ब्रांचेस हैं वो क्या है, हमारे 12 घर हैं, उनके 12 एनिमल्स हैं, जो हमारे 12 घर हैं वो उनके 12 एनिमल्स हैं। आप कौन सा एनिमल है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका क्या एनिमल्स साइन है, आप में ट्रेट्स भी वही पाए जाए, आप उसके तरीके से ही काम करोगे। अब वो जो एनिमल है वो किन एलिमेंट से रिलेटेड है तो आप उसी हिसाब से उसको जज करोगे। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, ऐसे ही इनके पास भी जो एनिमल्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने डिवाइड करके 4 4 वो दिए। अब आप यहां पे देख रहे हो कि भाई हेवनली स्टेम में जो ग्रीन में है वो वुड है, और हमेशा इनका जो जैसे लोशु ग्रिड में, अगर आप लोशु ग्रिड को देखोगे तो साउथ ऊपर आता है जिसको हम न्यूमरोलॉजी में भी यूज करते हैं, लेकिन इनके इसमें जो रियल फेंगशुई है उसमें उनका स्टार्ट होता है वुड से। उनका जो पहला 1988 का जो जब एक साइकिल उनकी खत्म हुई 120 ईयर्स की, जो नेक्स्ट 120 ईयर्स का जो साइकिल स्टार्ट हुई 1988 में, उनका रेन वुड से स्टार्ट हुआ। तो अगर आप देखोगे तो उनका वुड जो साइकिल चलती है, वुड फायर अर्थ उसके बाद आपका मेटल और उसके बाद वाटर, ये साइकिल का ये रियल साइकिल की फ्लो है। अर्थली ब्रांचेस में भी अगर आप देखोगे कि भाई आपको नीचे जो दिख रहा है वो कम दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलो ये किसी का, अभी मैं बाजी का कैलकुलेटर में आपका किसी का चार्ट खोलूंगी तो आपको ये वाला जो चार्ट है वहां पे समझ में आएगा, वो मैं आपको वहां पे समझाऊं। अब यिंग एंड यांग वुड में फर्क क्या है, यांग वुड जो है वो फॉरेस्ट है, मगर आप में से कोई वुड है जिसके पर्सनल हॉरोस्कोप में वुड एलिमेंट बहुत है तो आपका वो फॉरेस्ट, आपके पास फॉरेस्ट है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी बट आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, जंगली जंगल की तरह ग्रोथ होगी। हम कहते हैं ना, वो बंदा कहेगा मेरे पास काम बहुत है मगर रिजल्ट्स नहीं है, मेरे पास इतना काम है कि मुझे समझ ही नहीं आता दिन कब खत्म हुआ रात कब शुरू हुई, मैं भागता ही रह जाता हूं, मगर मेरे को, मैं प्रोडक्टिव हूं लेकिन मैं रिजल्ट्स नहीं ले सक रहा, दैट इज वुड, यांग वुड। यिन वुड जो आपके घर का गार्डन कम है, बहुत फ्रजाइल होता है, वहां फूल लगे हैं आप उतार सकते हो तो टूट जाता है, अगर आपने पैर ज्यादा जोर से रख दिया तो वो दब जाएंगे, तो ये जो वुड है ये वो लोग हैं ऑफिस में जो कि काम बहुत अच्छा है, अक्ल है, दिमाग है, मगर रिकॉग्निशन नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते, इनके ऊपर कोई ना कोई बैठा होता है, इनका क्रेडिट खुद ले जाता है, इनका नाम नहीं आता, वो यिन वुड है। यांग वाटर समुद्र रिवर पहाड़ों से आने वाला झरना, जिसको आप ये सोचो कि किसी के घर में हम कहते हैं ना पैसा छप्पड़ फाड़ के आया, उसके पास सडनली पैसा आया, समझ ही नहीं आई कहां से आया, अचानक से उसके पास पैसा आ गया, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर उस वो यांग वाटर है और उसका ईयर यांग वाटर का आ गया तो हो गया। और कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि हम विषुवत्री दशा में उसकी दशा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा तो ये साल बहुत अच्छा था,
मेरे पास तो बहुत पैसा आया। हम सोच रहे हैं अरे भाई ये तो 6 8 12 से कनेक्ट कर रहा है, ये तो 3 8 11 से कनेक्ट कर रहा है, ये तो मेहनत इसने बड़ी करी, इसको तो धोखा भी मिला होगा, 12 से भी कनेक्ट कर रहा है। भैया तेरे पास तो 6 और 12 दिनों तो लिटिगेशन भी हो। नहीं, मेरा तो ये साल बहुत अच्छा था। तो वो यन वाटर है। यिन वाटर क्या है? आपके नल में से पानी टप 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 होना, हमारे फिल्टर की धार कैसी होती है पानी की, वो यिन वाटर है। मतलब कि सारा दिन जो है हम एड़ियां रगड़ते रहते हैं और थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं। सैलरी आती है, पूरे खर्चे बंदे होते हैं, एंड में आपको 50 या 100 रुपए बच रहे हैं। फ्लो कम है, तो ये यिन वाटर। यांग फायर क्या है? सूर्य। अब आप ये सोचो कि इंडिया में कम से कम नहीं तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सूर्य को जल देती है, फिर भी गवर्नमेंट के झंझटों में पड़ती है, फिर भी उनको जो है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, या फादर से प्रॉब्लम है। हाफ ऑफ द फैमिली में हमारे बच्चों की अपने पेरेंट्स से बन, फादर से खास करके लड़कों की अनबन रह रही है। बाप कुछ चाह रहा है, बेटा कुछ चाह रहा है, फादर कुछ कह रहा है, बेटा नहीं मान रहा। हमारे वृद्ध आश्रम भरते जा रहे हैं। वो यैंग फायर है। जिस बच्चे में यैंग फायर है उसको कंट्रोल भी तो करना है। कोई चीज एक्सेस में है उसको आप कंट्रोल ही करोगे ना। यिन फायर क्या है? आपकी कैंडल, छोटी सी जो हम जलाते हैं। अब किसी कोई अगर यांग फायर को है, बिलोंग करता है, एक तो वो यांग फायर है, ऊपर से वो यिन भी एक्टिवेट कर ले कि अपने घर में जगह जगह कैंडल्स जला ले, अपने बेडरूम में कैंडल जला ले, या माथे पे लाल तिलक कर ले, हो गया उसका काम। तो अब जैसे काफी लोगों को आप सुनते हो कि किसी किसी को बुखार ऐसे ही आ जाता है और इतना तेज हो जाएगा बुखार, कुछ हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, डॉक्टर भी हैरान कि भैया इसको बुखार क्यों है। दैट इज यंग फायर। वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो उसको एक्टिवेट किए जा रहा है, इसलिए बुखार हो रहा है बार बार। यंग मेटल एंड यिन मेटल क्या है? यंग मेटल है स्वॉर्ड, राजा महाराजाओं की जो तलवारें होती थी। अब वो हमारे घर आज एक्चुअली क्या है, आज आज इस इरा में हमारे पास यांग मेटल में आपके पास क्या रहेगा? आपको हमारे बच्चों के कमरों में बेतहा डिवाइसेस, आईपैड भी है हमारे पास, लैपटॉप भी है हमारे पास, डेस्कटॉप भी है हमारी किचन में जी, एयर फ्रायर्स भी हैं हमारी किचन में, माइक्रोवेव भी है। माइक्रोवेव कम्स इन द यांग मेटल। अब यांग मेटल से होता क्या है? इस इंसान को लाइफ में कम से कम नहीं से 2 से 3 बार सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। छोटा सा छोटा उसको जो बॉइल आएगा वो भी उसको कटवाना पड़ जाएगा। दैट इज यंग मेटल। यिन मेटल क्या है? यिन मेटल आपकी रिंग्स है, ज्वेलरी है, गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी तो सबको पसंद है। अब जो यांग मेटल वाले हैं उसको बिलोंग करते हैं, वो यिन को भी एक्टिवेट करके बैठ जाएं, अपने हाथों में इतनी सारी रिंग्स पहन के बैठ जाएं, तो इट बिकम एक्सेस। यांग अर्थ एंड यिन अर्थ। यांग अर्थ क्या है? माउंटेन्स, पथरीला भूमि, जो बंजर बंजर जमीन जिसको हम कहते हैं। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट कंट्री जहां मैं रहती हूँ वो भी यांग अर्थ है, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट है। दूर दूर तक अगर आप देखो तो आपको, अब तो खैर नहीं है, अब तो बहुत डेवलप हो गया, बट अभी भी आप आउटस्कर्ट्स पे चले जाओ तो अभी भी आपको येलो सैंड, दूर दूर तक उसके पहाड़ मिलेंगे। बंजर भूमि है, दिस इज यांग अर्थ। फिर यिन अर्थ क्या है? आपकी गार्डन की सॉइल, आपकी बालकनी में जो आप प्लांट्स लगाते हो, उसके जो आप प्लांटर्स हैं जिसके अंदर वो सॉइल डालते हो, वो यिन अर्थ है। यिन अर्थ का लोशु ग्रिड में नंबर इज 2 एंड 5।
टू नंबर जो है वो साउथ वेस्ट भी है और 5 नंबर आपका सेंटर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिसका यांग अर्थ है, या मैं जिस कंट्री में रहती हूँ वहां पे वो यांग अर्थ है। और मेरे बर्थ चार्ट में अर्थ 2 बार रिपीट होता है और मैं यांग अर्थ पे भी रहती हूँ, तो मुझे यिन अर्थ को करने की जरूरत ही नहीं। आई डोंट हैव एनी प्लांट्स इन माई हाउस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एक्टिवेट इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैव रिसीविंग इन अबंडेंस। अर्थ क्या हैवी है, रोक देता है आपको, बिठा देता है आपको, सेटल कर देता है, लेकिन हम सबको आगे बढ़ना है। तो दैट इज यांग अर्थ, प्रोडक्टिव साइकिल। हम वुड से, आप हमेशा याद रखो कि आपने जब साइकिल को स्टडी करना है और जब हमें क्योर्स बनाने पड़ेंगे तो हमें इसको वुड से स्टार्ट करना है, फायर से स्टार्ट नहीं करना है। हम वुड को देखेंगे पहले, वुड से फायर आता है क्योंकि भाई हम वुड से जो है वो फायर जनरेट, हम कोई तो माध्यम चाहिए ना उसको लगाने का, तो वुड जो है वो जल्दी ले लेती है उसको, तो फायर देती है वो हमें। फायर जो है जब वो बुझती है तो वो हमें अर्थ देता है एशेस के उसमें। अर्थ जो है वो हमें मेटल देता है क्योंकि जन्म भूमि जो हमारी भूमि है उसके नीचे जो कॉम्पिटिशन्स और वो रिसोर्सेज जो मिलते हैं उससे हमें मेटल मिलता है। फिर मेटल जो है जब वो मेल्ट होता है तो वो पानी बनता है, पानी से फिर वुड की ग्रोथ होती है। तो ये एक प्रोडक्टिव साइकिल है। कंट्रोलिंग साइकिल क्या है कि भाई कौन चीज किसको कंट्रोल करती है। फायर जो है वो आपके मेटल को कंट्रोल करती है, वुड जो है वो आपके अर्थ को कंट्रोल करती है, वाटर जो है वो आपके फायर को कंट्रोल करता है। भाई बच्चों को कंट्रोल करने के लिए घर में माँ चाहिए ना, माँ के बिना तो कुछ नहीं होएगा, बाप तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बाप से तो हम डरते हैं, माँ कंट्रोल करती है, माँ की बात हम मान जाते हैं, वो होता है कंट्रोलिंग। गवर्नमेंट हमें कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉ बनाती है, वो तो फादर है। पुलिस हमें कंट्रोल करती है, मिलिट्री हमें कंट्रोल करती है, हम उससे कंट्रोल में आते हैं, अरे पुलिस आ गई भागो, जहां होंगे वहीं बैठ जाएंगे। बिल्लियों को कभी देखा है कि वो कुत्ते को देख के वहीं बैठ जाते, दैट इज कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोल हम इसे कहते हैं। अब मान लो कि भाई मैंने कहा मैं जिस कंट्री में रहती हूं वहां पे यांग अर्थ है, अब अर्थ को कौन कंट्रोल करेगा, वुड। तो गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, दुबई गवर्नमेंट, उन्होंने हर जगह ग्रीनरी कर दी, उनकी ग्रोथ हो गई, स्टेबिलिटी जो उनकी वो जो स्टैग्नेंट था वो रुक गई। आज आप दुबई को देखो, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इसके मुकाबला कर सके, बिकॉज उन्होंने समझा इस बात को कि इट्स अ यांग अर्थ, हमें वुड से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम वही कबीले वाले रह जाएंगे, हम ऊंट पे ही सवारी करते रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें बाहर रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा। दैट्स द पावर ऑफ फेंगशुई। फिर रिड्यूसिंग साइकिल, भाई अब वो रिड्यूस कैसे होएगा, हम वुड से देखेंगे, हर एलिमेंट अपने उसका जो पीछे वाला यानी वुड जो है जब वो पैदा होता है तो वाटर रिड्यूस हो जाता है, जब फायर होती है तो वुड रिड्यूस हो जाती है, जब अर्थ बन जाता है फायर बुझने लगती है तो फायर रिड्यूस हो जाती है, जब मेटल बन जाता है तो अर्थ रिड्यूस हो जाती है, जब पानी बन जाता है तो मेटल रिड्यूस हो जाता है। भाई जब गोल्ड को हम मेल्ट कर लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो हम ना पी सकते हैं ना पहन सकते हैं ना उसको अपने हाथ में ले सकते हैं क्योंकि वो तो रिड्यूस हो गया। तो ये जो साइकिल्स हैं ये हमें बताती हैं कि हमें किस चीज को कैसे बैलेंस करना है। वॉटर एनहेंसेस वुड, भाई वो उसको एनर्जी देता है। अब ये
ईयर मंथ डे एंड टाइम। अभी जब मैं चार्ट लगाऊंगी बाजी कैलकुलेटर में, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये उनके हिसाब से ये कुंडली है, और ये जो डे के नीचे आप बिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आपका पहला घर है। यानी डे के नीचे जो भी होगा दैट इज योर सेल्फ, वो आप होंगे। अच्छा, फेंगशुई में वो लोग ये मानते हैं कि जो मेल है, अगर मान लो कि वो उसका जो वेल्थ है वो भी देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आप देखना, हम हिंदूज क्या कहते हैं कि बीवियां जो है वो गृह लक्ष्मी, वो भी यही कहते हैं कि मेल जो भी हो आप, जैसे वुड है, अगर आप मेल वुड हो तो आपके लिए कौन सी आपकी गृह लक्ष्मी, आपका वेल्थ कहाँ से आएगा, आपका स्पाउस आपके लिए वेल्थ लेकर आएगा, लेकिन वो स्पाउस किस एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए। अगर वाटर कहोगे तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा, अगर फायर कहोगे तो वॉट उसमें वुड रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको वाइफ क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है, अर्थ आपके लिए उसको ग्रोथ देगा, भाई उसको एक बेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वो भी यही कहते हैं कि भाई हमारा वेल्थ कहाँ है, हमारा वेल्थ हमारे स्पाउस मेल के लिए। तो आपको आपका वेल्थ पता चलेगा कि भाई मैं कौन सा एलिमेंट मेरे लिए वेल्थ लेकर आएगा, मैं कौन से एलिमेंट को अपनी जिंदगी में ऐड करूं, क्योंकि ये आपके ईयर मंथ डे एंड टाइम से पता चलेगा। ऐसे ही फीमेल्स के लिए वो कहते हैं ऑफिसर, और फीमेल्स को वो कहते हैं कि भाई जैसे हम कहते हैं कि हमें जब हमारी शादियां होती हैं या हम लावा फेरे पे बैठते हैं तो हमें हमें पंडित ये कहता है कि आज तक आपने अपने पिता की बात सुनी, अब आप जिस घर में जा रही हैं आप अपने पति की बात सुनेंगी। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको आपका कंट्रोल किसके पास होगा, आपके हस्बैंड के पास। वो भी यही कहते हैं कि भाई फीमेल्स को कंट्रोलिंग, वो कंट्रोलिंग करने वाला ऑफिसर चाहिए जिसको वो स्पाउस कहते हैं। तो अगर आप फायर हो तो फायर को कंट्रोल कौन करेगा, वाटर, तो हस्बैंड वाटर होना चाहिए। कहते हैं ना एक गरम एक नरम, यही चीजें तो हमें बचपन से बताई गई और यही फेंगशुई बोल रही है, यही हमारा शास्त्र बोल रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें तो ऐसा चाहिए कि भैया कोई मेरे पास जादू टोना आ जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। बट रियलिटी इज कि हम सबको समझना पड़ेगा तो ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हमें बेसिक्स को पकड़ना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं चार्ट लेती हूं आप में से किसी का, ताकि मैं चार्ट को एक बार डिस्प्ले करके आपको बता पाऊं कि फेंगशुई में चार्ट्स कैसे होते हैं। संध्या मेहरोत्रा, ओके, दीदी मेरे पास इसके मेहरोत्रा फिंग्स, इसके बर्थडे के चार्ट आए हुए हैं, आपको कैसे भेजूं? सॉरी, बर्थ डेट के चार्ट है मेरे पास, ये आपको नहीं, आप कैसे? लोगों में से, आप लोगों में से जो लोग बैठे हैं ना, हम उस उनमें से ही किसी का चार्ट लेंगे। संध्या नहीं मेहरोत्रा, नहीं संध्या मेहरोत्रा 11/11/1957। एक सेकेंड, मैं आपके लिए वो खोल रही हूँ, और ये कैलकुलेटर जो है वो फ्री मिलता है। हाँ, बाजी कैलकुलेटर, टाइम बोले 10:20, 10:44 PM। 10:44, यस PM, रात के। तो दैट इज 22। यस
और डेट 11 नवंबर 1957। प्लेस कानपुर मैम ये जो है ना हमें जी। लेट मी ट्राई, अगर ये मुझे देता है तो, क्योंकि ये देता नहीं है, मगर नहीं इट्स ओके okay. मैं खाली आपको, क्योंकि जो क्लास में हम यूज करेंगे वो दूसरा चार्ट होगा. ओके आई गिव यू माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ यू से। नहीं, दैट्स फाइन. ओके ग्रेट। अब ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, जी मैं थोड़ा और इसको, आप ये देख रहे हो डे मास्टर, यस मैम। रेड में है वो. जी 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 मैम। डेंग जी। हाँ, तो आपका एलिमेंट क्या है? फायर. फायर ऑफ कोर्स। ठीक है. अब अगर आप ये देखो कि ये हेवनली स्टेम्स है और ये अर्थली ब्रांचेस है, जी इसके अंदर जो इनका डे मास्टर है यानी ये खुद है फायर. ओके अब इनका ईयर भी फायर है. संध्या ओके जी, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी जो है ज्यादा फ्रेंडशिप्स चलती नहीं है, अच्छा ओके ओके मतलब आप खुद फायर होने की वजह से, और आगे फायर जो है वो आगे होने की वजह से आप कभी कभी क्या हो कि आप मुंह फटो, आप कुछ दिल में नहीं रख सकते, आप सामने बोल देते हो. जब आप हाँ सामने जी किसी को कुछ बोल देते हो तो सामने जी वाले का क्या एलिमेंट है हमें नहीं पता, वो बुरा मान जाता है, तो वो सोचता है हाँ कि अरे जी यार कितनी कड़वी है. हाँ जी अब अगर आप ये देखो कि अच्छा, आपको डाइजेशन या आपको जैसे जी कि आप जब भी खाना खाते हो तो आपको उसको पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, जी जी हाँ जी वो आई कहाँ गुड से है? डाइजेशन वो डायबिटीज। आपका जो हेवनली स्टेम है वो आपका अर्थ एलिमेंट है, तो ओके आपको जो है उसके अंदर अर्थ को कौन कंट्रोल करता है? अभी मैंने बताया था वुड मेटल ध्यान दें। वुड. ठीक है, तो जी इनको क्या चीज पाचन शक्ति बढ़ाएगी? इनको जो है आयुर्वेद की मदद ज्यादा अच्छी है, इनको कोई इंग्लिश दवाइयां या होम्योपैथिक खाने की वो असर नहीं करती इनको. अगर ये आयुर्वेद में हमारी जो स्पाइसेस हैं या हमारे जो हर्ब्स हैं उसको जी खाएंगी, जैसे धनिया का पानी हो गया सुबह खाली पेट, वो इनको असर कर जाएगा, इनकी पाचन शक्ति इंप्रूव हो जाएगी. जी ऐसे ही अगर हम अर्थली ब्रांचेस में देखें तो आपका जो दो आता है, ये देखें, अब यहां पे एक चीज को आप नोट करिएगा, अर्थली ब्रांचेस में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, जी हमारे पास यिंग एंड यान है. जी तो आपका जो आप हो फायर बट जी आप यिन हो. जी वो कहते हैं ना कि बाहर शेर घर में भीगी बिल्ली, मतलब आप अपने ही लोगों के सामने आप जी श्रिंक हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो, जी आपको डर लगता है, एक अजीब सा आप में एक फियर है कि जी जी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ से, वो यस यस क्वाइट ट्रू कॉम्प्रोमाइज आप में बहुत है, आप कभी उठ ही नहीं पाए अंदर से. क्यों? क्योंकि जी आपका जो अर्थ का जो ब्रांच जिसको हम कहते हैं जो मेजर है वो यिन है. ओके आप वो आग हो जो घर के अंदर बुझी पड़ी है, बाहर जी लेकिन जल जाते हो. बाहर आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, लोग उल्टे होते हैं कि बाहर जाके एकदम नर्वस हो जाएंगे, घर में शेर रहे, लेकिन आपका उल्टा है. हाँ जी अब इस चार्ट को देख के अगर मैं ये कहूं कि आप जी लोग सब देखो इस चार्ट को, इस चार्ट में मुझे बताओ कि इनके पास कौन सा एलिमेंट मिसिंग है और ये यिन एंड यांग का प्रॉपर बैलेंस है इनमें. भाई ये अपनी हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को बहुत इन्होंने
अच्छे से रखा है, जी बट इनके पास एक एलिमेंट बहुत ज्यादा मिसिंग है। इनडायरेक्ट वेल्थ नहीं, वुड वुड नहीं है यहाँ पे, जी ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, ये घर के अंदर बिल्कुल फंस के रह गई हैं, अपने रिलेशनशिप्स में ही उलझ के रह गई हैं, जहां से इन्होंने अपनी सही जिंदगी शुरू करी थी ये आज भी जी वहीं पर हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा बिकॉज वो इनका चार्ट बोल रहा है। जी जी हाउ टू प्रोग्रेस यू विल हेल्प मी आउट वही तो आपको ये क्लास बताएगी कि आप जी अपना नहीं बहुत लोगों को हेल्प कर पाओगे, क्योंकि जी ये चार्ट जो है ये हमें बता जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी जी अब आप ये नीचे देख रहे हो, 10 ईयर लक आपका। हमने कहा कि भाई आप सेल्फ में क्या हो, फायर, जी और यहां पे आप देखो कि फायर आपका जो ईयर है, प्रोस्पेरिटी का ईयर, वो जी आपको कहां से कहां मिला। आपको ये प्रोस्पेरिटी कब आएगी, 58 ईयर्स में जाकर आए। 58 जो आपका ईयर होगा, वहां से लेके 10 साल, यानी आप 5 साल पहले मान के चलो, 1 सेकेंड, आप 58, तो 10 साल पहले हो गया 48। क्या आपके फाइनेंसेस 48 से ग्रो जी होने शुरू हुए हैं, मतलब आर यू फील हैप्पी विद द मनी। यस यस फाइन नाउ नाउ डेज दिस इज द टाइम आई एम मोस्ट हैप्पी दिस पीरियड करेक्ट, आई एम मोस्ट तो हैप्पी हाँ आपका जी जो पीरियड चल रहा है वो वेल्थ का पीरियड चल रहा है। अब आप जी इसको एनहेंस कैसे करोगे, फायर है वो जी जी और वो स्नेक का अर्थली ब्रांच में है, यानी स्नेक इज अ यिन, मतलब पैसा आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, यांग में जी नहीं आ रहा है, यिन में आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा तो अब आप उसको यांग कैसे करोगे। अच्छा, अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि यांग क्या है, सूर्य, जी इस इंसान को सूर्य की रोशनी में ज्यादा बैठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। जी जी टेक हेयर फ्रॉम द सन तो यांग को आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि इस समय जो आपका पीरियड चल रहा है वो 10 ईयर का लकी पीरियड चल रहा है, इसको आपने राय वो नहीं किया मिल्क, तो फिर आगे का जो आने वाला है जी वो अब जाके 26 में जाके आपको अर्थ आएगा, मतलब रुक जाएगा हर चीज, यू नो देर विल बी चेंज इन योर लाइफ। सडनली जो है वो आपको वुड तब हेल्प नहीं करेगी, अर्थ ओके को गुड कौन कंट्रोल करता है, वुड। तो वुड जो है वो आपका तो एक है ही जो मिसिंग एलिमेंट है, लेकिन जब अर्थ आएगा तो आपको उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, उसको रिड्यूस कौन करता है, मेटल। तो उस समय आपको मेटल और वुड की हेल्प लेनी पड़ेगी, अभी आपको वुड की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी तो इस तरह से आप करते हो। अच्छा, अब हमने इनसे कहा कि भाई इनको जो है वुड एलिमेंट और यांग को अपने बढ़ाना है। क्या आप में से मुझे कोई वुड के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको वुड के क्या ट्रीज एग्जाम्पल्स हैं। ट्रीज जी, प्लांटिंग ट्रीज ट्रीज। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि प्लांटिंग ट्रीज, हम यांग वुड की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ओके ऐसे इंसान से कि भाई जी आप बाहर, घर से बाहर निकलो, जहां अर्थ है वहां पे आप ट्री को प्लांट करें। ओके फिर हम यांग वुड की बात कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा पेड़ लेना है जिसका तना मोटा हो घर ओके में, और उसको आपने फायर वुड से एग्जॉस्ट होती है, ग्रीन कलर का आपने पॉट लेना है, उसके अंदर मोटे तने वाला पेड़ अपना लगा के आपने उसको पानी देना है, ओके ग्रीन कलर प्लांट ग्रीन कलर का जी ही पॉट हो, लेकिन आपने बाहर जाके भी प्लांटेशन करनी है। ओके जी अब आप जो है वो ग्रीन कलर यूज करना शुरू करें, अपने कोई भी, अगर आप
चैंटिंग करते हो बैठ के, किसी माला को फेरते हो, तो वो वुड के ग्रीन कलर के वो हो जो कि आपके उस तत्व को बैलेंस करें। ओके हाँ जी तो उस हिसाब से आपका वुड एलिमेंट इंक्रीज होएगा, यस प्लस आपको अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको हर्ब्स का सहारा लेना है, वो भी वुड एलिमेंट है एक तरीके का। जी दूसरा, जब आप वुड को इस्तेमाल करना शुरू करोगे जी तो उसमें क्या होएगा कि आपके जो रिलेशनशिप्स भी बिगड़ते हैं वो भी मेंड होना शुरू हो जाएंगे, बाहर भी आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको कॉल करनी शुरू हो जाएंगे, आपकी बातें शुरू हो जाएंगी, आप यू विल फील सेटिस्फाइड, जो जी डिप्रेशन है आपको वो भी खत्म हो जाएगा। जी अगर हम इस चार्ट में देखें जी इनके पास मेटल, जी देखें एक मेटल है और ऊपर की जो हेवनली स्टेम है उसके अंदर एक एलिमेंट और मिसिंग है, कोई बता सकता है कौन सा? वाटर यस, तो जब मैंने कहा कि वाटर एनहेंसेस वुड, तो मैंने इनसे क्या कहा कि भाई इनके ऊपर की उसमें देख रहे हो आपकी फायर दो है और अर्थ एक है, तो हमने क्या जब कहा था कि यिन अर्थ क्या होता है आपका प्लांटर का जो मिट्टी सॉइल, तो मैंने इनसे क्या कहा ग्रीन पॉट उसमें सॉइल अर्थ एलिमेंट, मोटा तना वुड एलिमेंट, पानी जो कि मिसिंग है खुद डालें उसको खुद सींचे, बाहर भी जो प्लांट करें जाके वो भी आप जो है उसको वुड को एनहेंस करेंगे उसमें भी पानी डालेंगे, जी तो हम दोनों चीज यानी हम इनको ग्रोथ भी दे रहे हैं हम इनको वेल्थ भी दे रहे हैं, जी तो अपने आप आपके चैनल्स खुलने शुरू हो जाएंगे। जी जी वेरी नाइस तो उस मैम हिसाब से जो है हम इसको इस साइंस को लगाते हैं। प्लस इस साइंस में अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, हाँ जी मीनाक्षी जी पूछें। मैम ये जो चार्ट है इसमें हम लोग जैसे आप पहले वाले जो बता रहे थे ना एग्जाम्पल वो तो बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। जब आपने ये चार्ट लगाया ना तो थोड़ा सा ब्लैंक सी हो गई मैं कि ये क्या हाँ कैसे उठाना है, तो ये सीखने वो पर नहीं, वो आपको ये बताइए। चार्ट जो है ना पूरा समझ में आएगा, वो आप उसकी चिंता नहीं करें। जब हम शुरू से, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है, हम एबीसी से पूरा लिटरेचर लिखना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम खाली ऊपर से ये चार्ट दिखाएंगे या कुछ नहीं, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आनी है। जैसे हमें कहा जाता है ना कि आप अपनी कुंडली हम एफिमेरिस टेबल से खुद बना सकते हैं, वो सब इस तरीके से आपको समझ में आएगा। जब हम हाँ मैम बेसिक कवर करेंगे तो आपको एडवांस अपने आप समझ में आ जाएगा। जी मैम हाँ वही कि वो सारे तत्व भी समझ में आ रहे थे, बट फिर यहाँ पर कैसे उठाना है हमें, जैसे वहां से प्लैनेट उठाते हैं डिग्री से, तो हमें यहाँ से करेक्ट, यंग फ्लो मैम से कैसे पिकअप करना है, तत्व को कैसे पिकअप करना हाँ है। वो सब आपको समझ में आएगा जब हम बेसिक कवर करेंगे, क्योंकि हम उसमें ये बताएंगे कि भाई अर्थली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई, क्यों ये ड्राइव उसमें करी है। तमिल के जो जल्दी चुका है वो है जी ना मैम, मैंने नहीं तो पूछा मैम। उस हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैम तो फुल कोर्स है मैम ये, बेसिक टू एडवांस हम लोग इसके पूरा बाद मैंने आपसे सीखेंगे। कहा कि फेंगशुई का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा है, जैसे कि अभी चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम काफी सारी जगह फंस जाते हैं, तो यहाँ तत्व बैलेंस करके काफी सारी चीज मैं ध्यान से सुन रही थी आपका सारा, कि तत्व हम कैसे बैलेंस करते हैं ताकि हम उस तत्व को। और मैम एक बात और पूछनी थी, जैसे हम 5 मेंबर्स हैं अपने घर में, बेसिकली एक ना एक से कोई ना कोई प्लैनेट तो कनेक्शन रहता ही है हमारे घर के अंदर, हमारे मतलब एक ना एक प्लैनेट का तो कनेक्शन रहता ही है, तो जो रेमेडी है जो तत्व हम अपने लिए बैलेंस करेंगे, और मान लीजिए दूसरे का इम्बैलेंस है वो, तो उसे नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई देखें अब हमारे पास, हमें उन्होंने इसमें ना आप बड़ी चीजें पर्सनल कर सकते हो। जैसे अब आपने कहा कि 5 मेंबर्स रहते हैं, 5 मेंबर्स में
कोई ना कोई एक एलिमेंट ज्यादा होएगा किसी के पास और दूसरे के पास वो एलिमेंट मिसिंग होएगा। तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि भाई वो एलिमेंट, जैसे मैंने इनसे कहा संध्या जी से कि भाई आप जो है बाहर जाके प्लांटेशन करें, मैंने इनको एक पौधा कहा रखने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि घर में प्लांट ही भर दो, क्योंकि इनके घर में बाकी फैमिली मेंबर्स भी है ना। मैंने क्या कहा, बाहर जाके प्लांटेशन करें। भाई आप रस्ते में चलते हैं, आपके सोसाइटी में पार्क है, आप वहां पे कोई ना कोई एक पौधा लगा दें जाके। और प्लस मैंने जो इनके मिसिंग एलिमेंट्स थे खाली वो उठाए और उसको एक में डाला। भाई किसी, अगर किसी का वुड एलिमेंट मिसिंग है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई अपने बेडरूम में प्लांट लगा ले, अपने घर में पूरे प्लांट ही प्लांट लगा ले, तो नर्सरी में ही बैठ जा जाके, ऐसा नहीं कहेंगे ना। क्योंकि हमें ये भी पता है ना कि आप, अब जैसे घर है, हम ये कहते हैं ना वास्तु में कि भाई आप जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है उसको ज्यादा इफेक्ट आएगा, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा आएगा, बाकी जिसकी वीक दशा होगी उसको उसको वो चीज, वो दिशा इफेक्ट कर जाएगी, जो स्ट्रांग है वो बच जाएगा। तो इसी हिसाब से फेंगशुई भी काम करती है। प्लस इसमें हम एक चीज और भी देखेंगे कि भाई इन्होंने जो वुड का जो वो है वो ईस्ट डायरेक्शन, और इनका जो है वो जो फायर इनको मिल रही है वो इनका साउथ डायरेक्शन है। तो हम इनसे कहेंगे कि भाई आप जो है अपने ईस्ट में लगाएं वो पौधा, अच्छा जी, ठीक है ना तो उस हिसाब से आपको वो चीज मिलेगी। जी। इसमें रिलेशनशिप, पूछेंगे मनी, तो सब सब कुछ चीजें सेटल बिल्कुल हमें होगा। क्लियर होंगी ना, हम जब ये चीजें करेंगे तो हमें हाँ, भी जब क्लियर हम होगा। इस कोर्स को करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि एक से एक रिलेशन बनता जाता है, तो आपको पता रहेगा। हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी इसमें हल करेंगे प्लांटिंग पे। जी जी इवन कि इसमें थैंक जो है ना आप लड़का लड़की की कुंडली भी मिला सकते हो, उनकी कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हो। चाइनीज में वो लोग, जैसे हम कहते हैं कि आपका रिलेशनशिप, हम जैसे हम गुण मिलान करते हैं, यू। जी जी उनके पीच ब्लॉसम कहते हैं कि भाई पीच अच्छा ब्लॉसम के जो एनिमल साइंस हैं उसके अंदर कौन कौन से एनिमल साइंस आते हैं, तो वो आप ये जान सकोगे कि भाई ये बंदा जो 10 ईयर लक का जो हमारे पास टेबल आता है उसमें हम ये जान सकते हैं, लक तो ठीक है लेकिन वो जो पीच ब्लॉसम का जो ईयर आ गया उस साल ये बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा ही करेगा, या इसको अट्रैक्शन होएगी होएगी। आज आप देखो कि इंडिया के अंदर या अब्रॉड में भी इंडियन फैमिलीज में डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। वो कहां से इनबैलेंस हो रहा है भैया? अगर आप ये चीज सोचो कि भाई ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज कुंडलियां जी मिलाती हैं, तो अब क्यों नहीं कहता पंडित कि भाई इनका इनका तो जी नहीं जमेगी, वो तो गुण मिलान करके दे देता है, हाँ जी सब सही है। तो वो मैम, प्रॉब्लम, तो आप पंडित जी, तो होता है कि लोग बस पहले ही चेक करके आते, वो कहते हैं कि मिलाओ, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ना जब वो कोई भी लड़का लड़की के लिए आता है तो पहले वो तय करके आते हैं रिश्ता, कि अब तुम डेट निकाल दो, तो फिर उसमें पंडित क्या कर सकते हैं। मैम इसमें तो एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है ना, ये तो अब उन्होंने कहा कि हमें वही करनी है, लड़की पसंद आ गई, कितने दिनों बाद से बिल्कुल लड़का देख रहे थे, लड़की देख रहे थे, तो मैम यहाँ एस्ट्रोलॉजर की तो कोई गलती नहीं है, वो तो उसको तो अब वो हर किसी को एंड टाइम पे नहीं मना कर सकता ना। चले ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ मेरे को ये जरूर पता है कि जो मैं डिवोर्स केसेस को देख रही हूँ वो 16 17 20 साल 23 साल 30 साल की शादियों में मैं देख रही हूँ। तो उस समय का तो ये था ना कि भाई, और अरेंज मैरिज है, लव मैरिज का तो छोड़ ही दो, वो तो वैसी ही मुसीबत है उसकी तो आजकल के बच्चों के साथ तो। मगर जो अरेंज मैरिज में भी इतने सालों के बाद जाके भी सेपरेशन होती है, वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि भाई जैसे अभी हमने संध्या जी का देखा कि वो जो एक तत्व जो मिसिंग है, 5 तत्व का बैलेंस मिसिंग है, वो बैलेंस अगर आप कर लोगे तो आप अपने लिए नहीं, अपने अराउंड भी उसको, अर्थ को भी आप एक्टिवेट कर रहे हो। हमने 3 लक्स कहे, अर्थ मैन हेवन, तो उसमें जो अर्थ वाला जो है वो इसी से बैलेंस होता है। और हम चेंज किस चीज को कर सकते हैं? हम अपने कर्मों से हेवन को थोड़ा सा आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो लक हम ऊपर से लेकर आए हैं, जो पिछले जन्म से लेकर आए हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाली दो चीजों में ऐड एंड सब्ट्रैक्शन दे सकते हैं, एक तो जो हेवन है जो हमने जाना है आगे, हम उसको ऐड माइनस प्लस कर सकते हैं, जो अर्थ है हम उसको एनहांस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, जिसको हम वास्तु भी कहते हैं।
तो वो चीजें जो है वो आप यहाँ से बैलेंस करना सीखोगे, बहुत आसानी तरीकों से बैलेंस करो कि भाई काफी लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जैसे जी कोई ओल्ड बंदा है उसको आप बोलो कि भाई रोज आपको जो है वो पानी में ये डालने जाना है, वो कहेगा भैया 43 डेज में पानी कैसे जाऊंगा, मेरे तो कोई घर में बच्चा रहता भी नहीं जो मुझे लेके जाए, मैं रिक्शा पकड़ूंगा, मैं टैक्सी करूंगा, मैं बस में लटकूंगा, मैं नहीं जा सकता, तो नहीं, वहां पे ऐसे ये हम चीज कंप्लीट काम। भी नहीं हो पाते हो, हाँ कंप्लीट भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर उनको फायदा नहीं मिलता और वो डिप्रेस्टेड हो जाते हैं कि नहीं हो सकता। करेक्ट, और कितने जो हम रेमेडीज उनको दे देते हैं लिख के, ये अभी ये है, अभी ये है, वो कहेगा कि क्या है मैं काम करूं या मैं ये करूं, मेरे पास तो दिन ही खत्म हो जाता है क्योंकि आजकल 24 घंटे भी हमारे लिए कम है। मैम जैसे साउथ वेस्ट, हम यहाँ पे वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट रिलेशन लेते हैं, तो क्या हमारे इस फेंगशुई में या जो अभी आप पढ़ाने वाली हैं उसमें भी साउथ वेस्ट इज अ रिलेशन, इज दैट्स इट? एन अर्थ एलिमेंट, ठीक है, हाँ, साउथ वेस्ट टू इज अ अर्थ नंबर आता है एलिमेंट। वहां पे, दैट्स एन अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट जो अर्थ है वो आपको क्या देता है, वो यिन अर्थ है, तो वो बिल्कुल आपको देता है कि एक तरह का रुकाव, रुक जाना ना, ओके रिलेशनशिप भी तो एक अर्थ एलिमेंट की तरह आप मानोगे ना उसको, कि भी आप रिलेशनशिप में हो तो आपका दिमाग, बॉडी, हर चीज, आप उस चीज को सोचने लगते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में, आप अपने स्टेटस बदल देते हो। तो साउथ वेस्ट वो भी एक तरीके से मानते हैं कि भाई ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में आप जो है वो रुक जाते हो, लेकिन उनका रिलेशनशिप एनहैंसिंग कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कौन सी दिशा को, कौन से एलिमेंट को आप करोगे, वो है मेटल, दैट इज वेस्ट, अर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ओके तो आप जो है उसको नहीं सॉरी सेवन, एक सेकेंड, सिक्स जो है आपका वो साउथ रिलेशनशिप का है, तो वो जो ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का है वो आपका मेटल है, तो अर्थ रिड्यूस हो जाता है मेटल देके, अर्थ रिड्यूस हो यस मैम, जाता है मेटल देके, ठीक है। अब मेटल जो है आपने रिलेशनशिप में हो तो आप क्या प्रोड्यूस करते हो, आप बच्चा प्रोड्यूस करते हो, तो माँ बाप जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एक तरीके से कि भाई वो उस बच्चे की परवरिश में लग जाते हैं, खुद अपना भूल जाते हैं, तो वो भी उसी रिलेशनशिप को मानते हैं। अब ओके हम जो है वो हमारे कुंडली में दूसरा खाना हम मानते हैं नॉर्थ वेस्ट, न्यूमरोस्कोप में, अगर हम कुंडली से भी चलें, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी चलें या उसमें भी चलें, तो हम सेकंड हाउस को हम कहते हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट दिशा है, ठीक है। फोर्थ को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में हम ये कहते हैं एडिशन इन द फैमिली, ठीक है, ओके तो वो भी यही चीजों को मानते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो एलिमेंट्स पे बेस्ड है, वो मम्मी पांच समझ आ तत्व पे जाएगा चल। मैम, हाँ, वो समझ आ जाएगा आपको, वो उसकी आप टेंशन नहीं लो। कैन यू हाँ से समथिंग मोर अबाउट पीच ब्लॉसम, एंड इफ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। कौन बात कर रहे हैं, सॉरी मैं, मुझे ना दिख नहीं रहे आप अनंत क्योंकि मैम, अनंत, माई हैंड इज आप अप अपना एक्चुअली। कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। नो मैम, अनफॉर्चुनेटली नो। ओके, मेरे को आप हाईलाइट भी नहीं होते दिख रहे हो कि कहाँ से आवाज आ रही। एक्चुअली आई हैड रेज माई आप हैंड, हैंड हैंड रेज कर लें आप एक बार। रेज किया था, वो नीचे हो गया, अब आएगा, देखें दोबारा आया। ओके ओके ओके, नाउ आई कैन सी यू। ओके, यस मैम, पीच ब्लॉसम जो है ना मैं अभी नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स अ ओके ओके सब्जेक्ट व्हेन वी लर्न कि वो जो अर्थ स्टेम्स है और हेवनली ब्रांचेस है उनको जब तक हम नहीं समझेंगे ना, मैं ओके पीच मैम, ब्लॉसम के एनिमल्स को डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि 12 एनिमल्स होते हैं, उसमें 4 एनिमल्स जो है वो पीच ब्लॉसम में आते हैं, तो इसलिए मैंने अगर अभी वो चीज बताई ना तो बहुत ज्यादा वो अंडरस्टूड। आप लोग परेशान हो जाओगे। बहुत दिन के बाद देख रहे हैं मैम आपको, जुड़ेंगे, वी विल ज्वाइन हाँ, यू। मेरे हाँ को आपकी आवाज पहचान में आ रही थी, जी मैम, आपकी प्रसाद मैम, बेटी की शादी थी ना, हो गई मैम, शी अरे इज वेरी गुड, हैप्पीली चले गुड सेटल्ड गुड, इन कैलिफोर्निया। वेरी गुड, आई एम हैप्पी, सी यू इन द क्लास मैम। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी रितु जी पूछे। यस मैम, गुड आफ्टरनून।
मैम गुड थैंक यू मैम, आफ्टरनून। आपका सेशन बहुत अच्छा है मैम। मैं अच्छे से देख नहीं पाई लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझ रही थी मैम। मुझे बस ये पूछना है कि मेरे को तो मतलब ABCD भी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी नथिंग, तो मैम क्या मैं ये फेंगशुई सीख सकती हूँ बड़े आराम से? बिल्कुल सीख सकते हो क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ओके आपसे मैम, कहा कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से आपको जर्नी रहेगी, जिनको आता भी है वो भी उनको दोबारा मिलेगा, जिनको नहीं आता उनको शुरू से मिलेगा। ओके मैम, बहुत अच्छा था मैम, बहुत ही मतलब एक अलग से बढ़िया चीज लगी कि हाँ ये करना चाहिए, तो मैम मैं जरूर अभी तो जो इस साल की टिप्स हैं वो बाकी हैं, अभी मैं वो स्लाइड शेयर करूंगी, वो ओके आप मैम लोगों मैम के लिए एक बोनस है। जी मैम, थैंक यू वो मैम। तो सिर्फ एक छोटा सा वो है कि भी आप कैसे अपने अपना एनहेंस कर सकते हो घर में पैसा। जी, जी संदीप जी, आप अनम्यूट करके पूछें। गुड ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। मैम। मैम एक्चुअली मैं फेंगशुई थोड़ा बहुत मैंने पहले सीखा था, बट मैं पूरा नहीं सीख पाया था। तो जस्ट वांट टू नो कि इसके अंदर जैसे एनिमल ईयर वगैरह आते हैं, या आप उसी तरीके से इसको देखते हैं ना? नहीं, हम लोग इसको देखते हैं, एक तो एलिमेंट स्पेस पे देखते हैं, और एनिमल्स का जो जिक्र आता है वो जब हम, जैसे हमें फ्लाइंग स्टार कैलकुलेशन आती है तो उसमें जी जो है फेंगशुई में हर साल के तीन, उसको कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हार्मफुल डायरेक्शंस निकलती हैं, वो एनिमल बेस पे निकलती हैं। कि भाई जैसे अब आप सोचो कि भाई जो उनका डाइल है उस पे 12 एनिमल्स बैठे हैं, 12 एनिमल्स के जो ऑपोजिट जो एनिमल होएगा, और जिस ईयर में जो एनिमल ईयर आएगा उसका जो ऑपोजिट होएगा, और उसके जो दो साइड के एनिमल्स होंगे वो जो दिशा होएगी उसकी डिग्रीज आती हैं, उसमें प्रॉब्लम है। यानी जो एनिमल फोकस में आ गया या जो एनिमल काम पे लग जी गया जिस साल, उसका जो सामने वाले जो एनिमल्स होंगे वो डर जाएंगे उससे कि भाई इसको पावर मिल गई। तो वो जो दिशाएं आती हैं जिसको हम कहते हैं ताइसुई, थ्री किलिंग्स, और वो सारी जो दिशाएं हैं वो हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो अच्छा, एक बेसिक से आता है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं बाजी की और फ्लाइंग स्टार्स की, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। उसमें जो है वो हम हर महीने का, हर दिन का, आपके घर का, घर के साथ ईयर का, उस सारे कोऑर्डिनेशन बिठाने पड़ते हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा। ओके मैं, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपने अभी बताया ना, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू और ये जो भी था, मैंने हमने तो आज तक यही लगता था कि ये फेंगशुई के जो आपके जो सिंबल्स यूज करते हैं लोग या घर में रख लेते हैं, जैसे टॉर्टाइज है या बाकी। आप म्यूट हो गए हो। अब आप ये सोचो कि इट्स वेरी फनी, हम इंडियंस, वैसे तो चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन फेंगशुई के नाम पे हमने सबने अपने घर में वो टोटाइज उसी का चाइनीज कॉइन मुंह में फंसा के रखा हुआ जी है। बिल्कुल, और हमारे शास्त्र के हिसाब से टोटाइज जो है वो मतलब बहुत स्लो एनिमल है, और हम उसको रख देते हैं घर में दरवाजे के अंदर आते हुए, और हम ये सोचते हैं अरे हमने अब इसको रख दिया है अब तो हमारे पास पैसा आएगा। अरे झन पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि आपने जो रखा है वो तो इतना स्लो है और पैसा तो किसी और का रखा है। इतने साल हम फेंगशुई करते रहे अपनी कंट्री में, चाइना देखो कहां से कहां पहुंच गया। बिल्कुल हमारे पास चाइनीज गुड आ गए, हम घर घर में यूज करना शुरू हो गए। दिस इज द बट दे पावर। नेवर यूज, आई थिंक दे नेवर यूज, हाँ दे नेवर दे नेवर यूज, यूज, आई थिंक दे नेवर आप यूज। मानोगे नहीं, चाइनीज आपसे बात नहीं करते, मतलब दे विल नॉट से हेलो एंड हाय टू यू। हम इंडियंस जगह जगह जाके हेलो हाय करेंगे, ट्रैवल करेंगे वर्ल्ड में तो हम नए लोगों से दोस्ती करेंगे, हम उनकी भाषा से बात करने की कोशिश, चाहे हमें आती हो या नहीं आती हो, हम मुस्कुराएंगे, हम अपने बच्चों को कहेंगे कि इनको थैंक यू बोलो, हम ये सिखाते हैं अपने, क्योंकि हमारे में वो सभ्यता है उनमें नहीं है। दे आर वेरी रिजिड, वो अपने लोगों से ही बात करेंगे, अपना ही खाना खाएंगे, वो किसी और कोई क्विजीन को ट्राई नहीं करेंगे, नहीं, वो और बहुत हम एथिस्ट कंट्री अपने, है ना मैम, दे नेवर बिलीव इन गॉड एंड ऑल। नो दे जी, इट्स नॉट दैट दे बिलीव ऑन देम सेल्फ, दे से कि भाई वी आर द ओनली बेस्ट, मतलब दे उनको ऐसे फोकस किया गया है। वो रेसिस तो जो है सो है, वो तो अलग बात है,
बट उनको ग्रूम ऐसे किया गया है। हम अपने लोगों को ग्रूम ऐसे नहीं करते, हम कहते हैं भैया सब लोगों को आप लीजिए, सबसे बात कीजिए, आपके दोस्त होने चाहिए, जी हर जगह दोस्त होने चाहिए। अब उसको हमने ज्यादा लिटरली सेंस में ले लिया, अब हम हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन हम गलत चीजों में भी फैले हुए हैं। बिल्कुल तो हर घर में वो चाइनीज कॉइन है, और उसको ये नहीं पता चाइनीज कॉइन को यूज करने का कि भी उस पर भी सिंबल्स हैं, और वो बिल्कुल सिंबल्स है राइट ऊपर यस कौन सा होना चाहिए, नीचे कौन सा आना चाहिए, और वो क्यों रख रहे हो? आपके पास वो पैसा तो आना नहीं, आपने तो उसको बिल्कुल देना है, आप तो दोगे, आप चाइनीज गुड खरीदोगे, बच्चों के लिए खिलौने खरीदोगे, घर के लिए प्लास्टिक से लेके हर चीज आपकी चाइनीज से चाइना बना रहा है, मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है वो भी चाइनीज है, जी एप्पल को आप इतना पैसा देते हो लाखों में चाइना, और रख लो उनके कॉइन्स, टॉर्टॉइज रख लो उनके, वो टांग लो, सब टांग लो। पता नहीं इंडियंस हैव देयर ओन परसेप्शन जस्ट मैम व्हाटएवर यहाँ पे कम्स बुद्धा फ्रॉम भी यूज करते हैं हम आउटसाइड दे लोग। एग्री विद इट देखो बुद्धा जो आप यूज करते हो दैट इज लॉर्ड कुबेर, ओके मैम मैम लेकिन बताया तो उन्होंने लॉर्ड ना कि चाइनीज लाफिंग बुद्धा लॉर्ड यूज करो। कुबेर जो कुबेर हैं लॉर्ड कुबेर हमारे, यस लॉर्ड कुबेर यस यस हाँ दैट इज बुद्धा, ठीक है। अब उसमें जो है उसकी वेरिएशंस है, जैसे किसी को बच्चे चाहिए तो वो बच्चे वाला बुद्धा होएगा, बिजनेस के लिए अलग बुद्धा होएगा, आपके घर के लिए अलग बुद्धा होएगा, बेडरूम के लिए अलग बुद्धा होएगा। अभी हमारे पास लॉर्ड बुद्ध भी हैं, ठीक है, अब और ये वाले बुद्धा भी हैं, ठीक है, उनका वो जो बुद्धा है ना उनमें भी वो लॉर्ड कुबेर का उन्होंने शेप दिया हुआ है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड, द करेंसी इज एसोसिएटेड विद देयर इकोनॉमिक थिंग जो उनकी है। आप वो पैसे लेके तो किसी दुकान पे जाके पेप्सी भी नहीं खरीद सकते, पेप्सी के वो सामने आपको खड़ा नहीं करेगा, लेकिन उनकी कंट्री में वो खरीद सकते हैं, वो भी नोट यूज करते हैं, वो भी कॉइन्स यूज नहीं करते, और असली चाइनीज कॉइन्स अगर आप देखो तो इट इज नॉट लाइक दिस जो हमें दिए, जो पूरा उसमें बिक रहे हैं, वो तो इवन मेटल भी नहीं है, एलॉय है, प्लास्टिक टाइप ऑफ कुछ होते हैं ना मैम हाँ एलॉयज होते हैं, एलॉयज होते हैं राइट तो वो तो एक्टिवेट ही नहीं हो सकते क्योंकि वो तो एनर्जी ले ही नहीं सकते, वो तो डेड है, और वो आप अपनी कंट्री में आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको पैसा देगा, बिकॉज कि भाई वो जो है वो मनी है उनकी, अभी वो उनको पैसा देगा, यही चीज डिफरेंस है। जी फिर ये कम से कम नॉलेज तो हो जाएगी हमको, क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना, बिल्कुल क्योंकि शॉप जी पर जा खुशांगी जी, हाँ नॉर्मली ये तो अब हम लोग प्रॉब्लम। गुड हाँ मॉर्निंग जी मैम, बहुत बहुत अच्छा सेशन था। क्योंकि फैंग शुई इतना डेप्थ में ये बिल्कुल नहीं पता था। मैम जो मैं कुछ फैंग शुई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें फॉलो करती हूँ, तो जैसे जो ट्रांजिट होता है उसमें कुछ 1 ईयर का गैप होता है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जुपिटर का ट्रांजिट अभी हमारे अकॉर्डिंग जो वैदिक होगा उसके अंदर टॉरस में होगा, जबकि उनके लिए वो लास्ट ईयर टॉरस में ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है अप्रैल उसका एक रीजन है, हमारा जो है ना साइड्रल टाइम और अयांश जो हमारे बटे हुए हैं वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको 12 घरों में और 30-30 की उसमें स्पैन में दिया है। इनका हाँ जो ग्रैंड ड्यूक जो जुपिटर का ट्रांजिट होता है ये उसको मानते हैं कि भाई जो ईयर का जो एलिमेंट काम में आएगा, मतलब जो काम करना शुरू होगा, जैसे अभी मैं आपको जो स्लाइड दिखाऊंगी 2024 में कौन सा आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट से रिलेशन में ही वो उसको प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जी 5, 7 और 9, हम ये जी मानते हैं ना, जी तो 5, 7 और 9 का जो स्पैन रहेगा ये जो उसको मानते हैं ये 9वीं दृष्टि को देखते हैं, खाली उसकी ओके 9वीं दृष्टि। तो जब वो ईयर का जो एनिमल घूमेगा तो ये उसको वहां पे प्लेस करके देखेंगे कि भाई इसकी गुरु की दृष्टि, तो उसको ये नॉट एज अ ट्रांजिट मान रहे हैं, वो उसको ये कह रहे हैं कि भाई हम ये मानते हैं ना कि भाई गुरु जहां देखता है वहां पे इफेक्ट देता है, वृद्धि लाता है जी
तो ये भी वही कहते हैं और इनका ऐसे। फेब्रुअरी में चेंज हो जाता है। हाँ इनका जो है इस साल 10 फेब को चेंज हुआ है, क्योंकि इनके जैसे जी हमारा भी जो अभी ये साल जो है 29 का फेब है, और दूसरा कि भाई हमारे जो जैसे हमारे भी जो है 10 10 दिन ऐड होते हैं ना, जो हमारा हाँ एक्स्ट्रा मंथ आता है जी, हमारे उसमें, तो इनमें भी वही चीज है कि भाई इनके भी जो ईयर जो न्यू ईयर आता है इनका, वो भी उसमें भी कुछ कुछ दिन ऐड होते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं। तो इस ओके बार 4 फेब की बजाय 10 फेब को हुआ है। ओके। तो बेसिकली हम लोगों को इससे, इसको वैदिक से काफी थोड़ा अलग ही रखना पड़ेगा। हाँ इसको वैदिक से अलग रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ जिनको वैदिक आती है वो बहुत जल्दी पिक करेंगे इसको, क्योंकि मतलब मैम उसको आई उनको एम अ समझ में वैदिक आएगा कि। एस्ट्रोलॉजर, तो हाँ वही मैं जी जानना चाह आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो मैं एग्जैक्टली वही जानना चाह रही थी कि जैसे मतलब इसको हम साइमल्टेनियसली वी कैन लर्न इट, मतलब उसमें कोई यस कंफ्यूजन्स नहीं है, इसके टर्म्स यस एंड टर्मिनोलॉजीज अलग ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, हाँ एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। ओके। सेकेंड थिंग आई वांटेड टू नो इज कि इसका ये तो मैंने देखा हुआ है, मतलब बहुत कम बचपन में जब हम थोड़ा बहुत वो बुक्स वगैरह लेके आते थे, तो कि इसमें पर्सनालिटी बहुत इजीली पता चल जाती है और बहुत बहुत सही पर्सनालिटी पता चलती है। लेकिन क्या इससे प्रेडिक्शंस भी हो जाते हैं कि आपको बिल्कुल कैसा, जैसे मैच मेकिंग तो हो गई, लेकिन अगर हमें प्रेडिक्शन करना हो कि आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा, क्या वो चीजें चार्ट हाँ से मिल जाती है? देखें वो जो है उसमें उस केस में आपको क्या मिलेगा कि भाई जब हम बाजी कैलकुलेटर में वो डालेंगे तो हम उसका जैसे हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वैदिक में, हम दशाओं से करते हैं ठीक है, जी, हम दशा, दशाओं को ट्रांजिट या पकड़ते हैं ना कि फिर ये दशा ऐसी हाँ है, नेक्स्ट दशा ये आने वाली है, इसमें आपको ये मिलेगा, तो उसी के रिलेशन में हम प्रिडिक्शंस देते हैं ना कि आपको लोग कैसे मिलेंगे, आपको कौन सा घर एक्टिव रहेगा, वहां पे जो है कहाँ से रिलेशन बनेगा, मतलब ये कहेंगे ना लड़की के लिए कि लड़के का रिश्ता कहाँ से आएगा या लड़के का, तो हम ये बताते हैं ना कि आपको इस तरह का हस्बैंड मिलेगा। अब हस्बैंड मिलने या लड़की वाइफ मिलने के लिए हम ये बोलेंगे कि भाई आपका जो एलिमेंट जो हमने अभी देखा, जो हमने जी अर्थ स्टेम्स को हेवनली ब्रांच को हमने देखा, उसमें जो ऊपर चार वो है, आप डे तो आप सेल्फ हो गए ठीक जी है, तो उसमें जो बाकी जो रिलेशंस हैं वो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कैसा हस्बैंड मिलेगा, आप कैसी जिंदगी बिताओगे, अब ओके रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कैसे प्लस एंड माइनसेस होंगे तो वहां से आप देख पाओगे। लेकिन एक चीज है कुशांगी जी, आप कितना भी कोशिश कर लो, जिस जिस इंसान की जो चीज तय है आप उसको बदल नहीं सकते, हाँ वही हम मैं खाली जानना उसको चाह रही थी इम्प्रूव कर कि सकते हैं। हाँ जैसे हम लोग अगर 7,000 लॉट देख रहे हैं, वो अफ्लिक्टेड है, तो थोड़ी बहुत हम उन्हें रेमेडीज करवा देते हैं, या दारा कारक है वो अफ्लिक्टेड है तो हम रेमेडीज करा सकते हैं। क्या इसमें भी हमें ऐसा कुछ पता लग जाता हाँ है तो कि इसमें आपकी हम थोड़ी मैरिड एलिमेंट, लाइफ हाँ में? एलिमेंट के थ्रू या हम वो घर के कॉर्नर के थ्रू या पर्सनल उसके थ्रू हम वो करा देंगे, प्लस हम पीरियड बता पाएंगे कि भाई ये पीरियड है इसमें आपको ये होने की चांसेस हैं। ओके ओके ठीक है मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड थैंक थैंक यू सो यू मच जी मैम। जी ऑल योर जयश्री जी, कोर्सेज आर पूछें एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। हमने आपके सोप मेकिंग सीखा था, आई मेड सोप, पीपल आर सो हैप्पी विद इट, बहुत अच्छा सिखाया था। देन आई लर्न ऑल किताब फ्रॉम यू, बट दैट आई कुडंट अप्लाई, इट वाज रियली वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगा, थैंक बहुत यू टाइम बाद आपको देखा, वेरी जी जी नाइस। जयश्री जी पूछे। यस मैम, अब तो मेरी क्वेरी मैं भूल गई मैम, सब इनके सुन के मतलब बहुत अमेजिंग क्लास है। मैं कुछ पूछ रही थी लेकिन हाँ कुछ याद आ गया मैम, अगर जैसे गर्ल्स वगैरह है जो एक्स्ट्रा सॉरी मेरे अफेयर्स एंड ऑल शुरू हो जाते हैं, मैरिड लड़कों के चक्कर में आ रही हैं, तो ये सारी चीजों का भी हम उनको कुछ रेमेडी दे करके, इससे इससे रिलेटेड हम कुछ रेमेडी दे करके उनको लाइन में लाइक अपने हिसाब से मोल्ड करने का एंड ऑल, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैरिड मैन के पीछे जा रही हैं तो ये सारी चीजें सही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। आई हैव अ क्लाइंट इन यूएस और उनकी एक ही बेटी है, एंड
वहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्चुअली इंडिया भी कह लो, हर जगह अभी लड़के लड़कियों को अपना प्रेफरेंस, सेक्सुअल प्रेफरेंस समझ में नहीं आता है, नहीं कि भाई वो लड़कियों से आकर्षित हो जाती हैं, लड़के लड़कों से आकर्षित हो जाते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं। तो वहां पे मैंने उस केस में आई ट्रीटेड इट विद फेंग शुई, ओके बिकॉज वो लोग यूएस में रहते थे और दान वगैरह हो नहीं सकता, लड़की की कुंडली भी देखी और प्लस हमने फेंग शुई से भी देखा, एंड विद द बैलेंसिंग ऑफ द एलिमेंट आई कुड हेल्प। अब वो लड़की अपने घर वापस आ गई है एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड डेटिंग अ बॉय। तो आप चेंज कर सकते हो, जो जो हमारे अर्थ से रिलेटेड चीजें हम कर रहे हैं ना, वो हम चेंज कर सकते हैं। जो हेवन से आप लिखवा के लाए हो, पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब फिर भी वी हैव सम चांसेस कि वी कैन कम. हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो क्या खाएंगे? हेलो. सॉरी जी, यस नेक्स्ट मैम. क्वेश्चन। जी थैंक यू. जी पूछें। मैं इफ यू हैव टू टॉक टू यू ओके पर्सनली, इफ यू वी कैन हैव योर नंबर. सॉरी संध्या जी, मैं पर्सनल उस पे जो है ना, थोड़ा सा मेरे को टाइम का वो रहता है, लेकिन मैं आप पूनम जी से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगी। संदीप जी पूछें, कुछ क्वेश्चन है हेलो, आपका? कैसे जी, करें आपका मैम? हैंड मैम यूएस रेज के है। अंदर? हाँ, वो मैंने अभी तक छोड़ दिया, सॉरी. ऐसे करके मैं नहीं अच्छा, छोड़ ओके सकता, ठीक और फिर भी मैं है। पूछ लेता हूँ आपसे. मैम, इसके अंदर फेंगशुई के अंदर अगर हम कोई भी सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे आप वैदिक में भी समझते होंगे, तो पंच पक्षी शास्त्र भी शायद आपने सुना होगा, हाँ, तो उससे भी ये रिलेट होता है कहीं पे? होता है। देखो अभी अगर आप ये देखो तो फेंगशुई में वो लोग हमें फोर कार्डिनल डायरेक्शंस बताते, जी जो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो जो सीधी सीधी डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। तो जी उसमें वो ये कहते हैं कि जो नॉर्थ है उसमें टोर्टोइस, साउथ में फीनिक्स, वेस्ट में टाइगर, फिनिक्स ईस्ट में ड्रैगन, ड्रैगन मतलब फायर. अच्छा, ठीक है. ओके. हाँ ठीक है। तो वो इस हिसाब से उसको बिठाते हैं। अब पंच जी पक्षी में भी अगर आप देखोगे कि भाई वो भी उसी चीज में उसको वो डाल देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, मगर हमारे पक्षी उनसे अलग हैं, उनके मिथिकल उसमें आ जाता है कि मिथिकल भाई क्रिएचर ज्यादा है जी. हाँ। अब जैसे मंथन हुआ था, वो विष्णु जी ने जो मंथन था वो टर्टल की बैक पे ही था बिल्कुल बिल्कुल जी, टॉर्टॉइस की बैक पे था. यस
तो वहीं से सारी चीजें उत्पन्न होनी शुरू हुई मंथन में। मंथन क्या जी है आपका? यस वाटर, यांग वाटर। यंग वाटर तो उसमें से ही सारे चीजें निकलनी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं जो ये दोनों साइंसेस है ना, उन्होंने उसको अलग से कॉन्सेप्ट को जाना। उन्होंने बोला कि भाई हमें टॉर्टोइस मिला, उसके ऊपर ये बना हुआ था। तो अगर आप ये सोचो अपने बच्चों को कहानी सुनानी है, तो आप बोलोगे वो टॉर्टोइस वहां चला गया। जब विष्णु जी ने उस दो पर मंथन किया तो उसपे सारे ड्रॉ हो गए, लोशो ग्रिड। सौ ग्रेड भी होगी ऐसा, लो सौ ग्रेड भी वहीं से ही दिखा था ये। तो हर चीज जो है वो एंड आके कहाँ खत्म होती है? जो हमारी माइंड उसमें शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वही सच है। वो एंड अप तो हमारे उस पर ही होता है, जाके कहीं से भी आप हाँ, घूम के पहुंचो अब सागर मंथन पे ही ग्रीक, पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल ग्रीक गॉड्स हैं, इजराइल गॉड्स हैं। अगर आप देखोगे वेस्टर्न में भी वो सिर्फ सेम चीजें बोलते हैं, मगर उनका बोलने का तरीका अलग जी है। प्लूटो हम कंसिडर नहीं करते। प्लूटो जो है उसको वो मार्स बोलते हैं, यूरेनस को वो सैटर्न बोलते हैं। तो ऐसे उसको वो चलते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है। और हमें जो है हम अपने ही उसमें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो जितना जो सामने वाला दे रहा है हम उतना ही लेते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि भाई ये इन सालों से ये रेमेडीज जो होती जा रही है हम उसी को करते जा रहे हैं। हम सामने वाले को भी वही दे देते हैं, फिर वो कहते हैं जी ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसको ट्रीट करने के लिए हम उसकी रूट तक नहीं जा रहे। इस फेंगशुई के जो 5 एलिमेंट्स बैलेंस है, आप एक चीज और सीख जाओगे। जैसे कि हमने संध्या जी का देखा कि इनका वुड और वाटर मिसिंग है, ठीक है। वुड और वाटर जो मिसिंग है, अभी अगर आप उनकी 12 घर की कुंडली देखो तो फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम होगी। वाटर एलिमेंट आ गया वहां पे, नॉर्थ ईस्ट पानी, ठीक है। वुड जी वुड वुड कहाँ पे है? ईस्ट। वन 159, तो फाइव यानी नाइन अच्छा इनकी ब्रायन बन गया ठीक है। जो इनकी कुंडली होएगी 159 और फोर्थ हाउस, वहीं से पूरी इनकी कुंडली बदल जाएगी। और वो हम कहते हैं बंद मुट्ठी के हैं जी, वो केंद्र के घर हैं, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है तो बहुत खुश। बट वो तो इनका अलग से हमें पता चल रहा है ना, हम उसको पकड़ते नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा। हम 6 8 12 पे ध्यान दे रहे होंगे, या हम पापी ग्रह पे ही ध्यान दे रहे होंगे। कभी कभी बेचारा सैटर्न कुछ भी नहीं करता, पर हम सैटर्न को ही ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल मैम, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे यिंग यांग वाला एक साइन होता है, वो राउंड के अंदर दो एनर्जीज को, जो फीमेल और मेल एनर्जी को शो करते हैं, इज इट ओके टू कीप दैट थिंग विद नो, यू, मतलब हमें लॉकेट हमें या फिर वही बात होगी ना चाइनीज कॉइन वाली, हमें क्या रखना चाहिए? आदिशक्ति। हमारा जो सॉरी, कभी कभी जो है ना मैं नाम भूल जाती हूँ, शिवलिंग। शिवलिंग जो है शिवलिंग पूरा, वो आदिशक्ति का प्रतीक है। हमारा जो शिव प्रतीक जी जी के जो आदिशक्ति है वो यिंग एंड यांग है, है, वही सेवन शक्ति हो गया ना मैम। वही शिवन शक्ति। इवन की विष्णु जी की भी ऐसी पिक्चर है जो कि यिंग एंड यांग है, हर चीज यिंग एंड यांग है। तो हम उनका सिंबल क्यों रखें? भाई जिस बिल्कुल मजहब में हम पैदा हुए हैं, या जिस जिसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, जिस जिसकी नॉलेज हमें है, जिस जिन जिन नामों को हमने चैंट किया है बचपन से, या जिनकी ध्वनि हमने सुनी है, हमें वही, हमारी सोल, हमारे ब्रेन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वही चीज एक्टिवेट करेगी। हम फॉरेन के वर्ड्स बोल रहे हैं, हमारी रामायण में छुपाई है जो हमारे लिए काम करेंगी, क्योंकि हमने वही ध्वनि सुनी है बचपन से। हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान में पहले ओम बोलते हैं, शहद चटाते हैं, फायर की एनर्जी देते हैं, तो वही ध्वनि काम करेगी ना। अब मुस्लिम्स जो हैं वो बिस्मिल्ला कह के चीजें शुरू करते हैं, बिल्कुल तो हाँ उनके लिए वही ध्वनि काम करेगी। तो जिस कुल में आप पैदा हुए वो एक हेवन है, हेवन लक है वो आपका, जिसको आप बदल नहीं सकते। आप उसको एक्टिवेट रखो, क्योंकि अगर आपने उसको स्टॉप किया तो आपके बाकी 2 लक्स भी अनबैलेंस हो जाएंगे, जो हम समझते नहीं है। जी
उसका एक रीजन है कि आप उस कुल में पैदा हुए, आप कहीं भी दूसरे भी उसमें पैदा हो सकते थे। आपका कोई कर्जा है जो यहाँ पे आपने देना है, इस कुल को देना है। अगला जन्म आपका मुस्लिम का हो सकता है, क्रिश्चियन का हो सकता है, या हिंदू का हो सकता है, हमें नहीं पता। और हम कहाँ से आए हैं ये भी हमें नहीं पता, मगर हमें क्या पता है कि हम आज हैं। उसी को खाली ठीक करो। वो तो 6, 8, 12 की रेमेडीज पे ही सबसे ज्यादा चले जाते हैं लोग इसके अंदर, तो वो तो प्रारब्ध हाँ वाले उसके तो अंदर अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे जाते करेक्ट। हैं। चले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम एक क्वेश्चन और था, सॉरी आई एम बॉदरिंग यू ऑन दिस, जी सॉरी इस चीज से थोड़ा सा अलग है, बट आई एम सीकिंग द आंसर ऑफ इट, आई एम नॉट गेटिंग इट फ्रॉम एनी वेयर। गणेश जी की 3 तरीके की पिक्चर्स होती हैं, एक में उनकी जो ट्रंक है वो स्ट्रेट है, एक में लेफ्ट है और एक में राइट है। स्ट्रेट वाली का तो मेरे को पता है कि उसमें स्ट्रेट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट एंड राइट वन, इफ यू हैव एनी आइडिया देन ओनली। मुझे लेफ्ट एंड राइट का आइडिया है, लेकिन मैं अब लेफ्ट एंड राइट से थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक वो एक दंत वाली जो घर में जो रखी जाती है वो आपकी एक सेकेंड, लेफ्ट साइड वाली रखी जाती है, राइट साइड वाली शायद टेम्पल में रखी जाती है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी लोग अगर इसको कुछ बता पाए तो, किसी को आइडिया है तो। उसके भी मैम एक कोई जे स्टोरी, शेप इज नॉट रिक्वायर्ड, जे शेप इज एक्चुअली इन टेम्पल्स, बिकॉज जे शेप वाली जो होती है उसमें बहुत ज्यादा पूजा की जरूरत होती है। तो ये सुना था कि लेफ्ट लेफ्ट जो टर्न होती है उनकी जो ट्रंक, दैट इज इन यू नो हुएवर इज डूइंग पूजा, बहुत ज्यादा पूजा अगर कोई करता है तो ही जे रखे, नहीं तो फिर वो जो दूसरी वाली होती है। तो गणपति फेस्टिवल में भी वो मतलब राइट साइड वाली लेते हैं जो लोग नहीं कर सकते बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पूजा, अदरवाइज दे विल हाँ नीड टू टेक डे, ऐसा कुछ। हाँ कुछ तो है, राइट लेफ्ट की कुछ तो सिद्धि होती है। और जो राइट लेफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है उसमें वो जो गणेश की लेफ्ट साइड है वो तांत्रिक उसमें भी यूज होती है, मतलब ऐसा कुछ एक वो है कि उसमें जो है वो तंत्र के लिए और बाकी जो है गृहस्थ के लिए अलग होते हैं। क्योंकि भगवान का जो हमारे पास यिंग एंड यांग, अगेन कि भाई जो यांग है वो उनका रुद्र रूप है, उसी गॉड का एक मेल वर्जन है विच इज फायरी, विच इज यांग विशाल। उनका फिर एक यिन रूप है, तो यिन क्या है, फीमेल एनर्जी, बहुत ही सटल वो है। तो घरों में वो ये कहते हैं कि भाई आप यिन रूप की पूजा करें। बेसिकली अगर आप सोचो कि भाई हम ये कहते हैं सॉफ्ट माँ सॉफ्ट काली, पार्ट मतलब सॉफ्ट पार्ट, बिकॉज हम जो है वो रिलेशनशिप में है, हम जो है वो वेरियस काम करते हैं दिन में, हमारा दिमाग जो है मटेरियलिस्टिक चलता है, हम अंदर को नहीं देखते, हम बाहर की, हमें बाहर की विजिबिलिटी है, हम अंदर की इनविजिबल है। तो हम जो लोग हैं वो मटेरियल उससे जुड़े हैं, हम अपना अर्थ ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम हेवन को कम यूज कर रहे हैं। तो वो यिन को हमें एक्टिवेट करना है कि भाई हम यांग नहीं हो जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हर चीज को जो है वो आप अपने सटलनेस को आप इंट्रोड्यूस करें किसी में। जैसे यांग लेकर आया है वो, तो उस बंदे की रिलेशनशिप्स बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बैड माउथ जिसको रूड कहते हैं। आप देखोगे कई बंदे ऐसे हैं, काफी लोगों के घरों में ऐसा एक आध बंदा निकल आएगा कि भाई जिससे बात करना है, इससे तो बात करना मुश्किल है, मैं नहीं इसके मुंह लग रहा। वहां पे वही है ना कि यांग एनर्जी बहुत है, यिन एनर्जी की मिसिंग है। जी तो वो चीजें हैं राइट मैम, जी थैंक यू। जी। अब मैं आपके साथ एक लास्ट चीज स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस साल से जो है ना, हम इनके जब हम पढ़ेंगे फेंगशुई तो उसमें आपको पीरियड्स, 9 पीरियड्स, क्योंकि लोशु ग्रेड 9 नंबर से है, तो इनके पीरियड्स भी जो है वो 9 नंबर से हैं। तो 9 नंबर इस साल जो है 2024 में हमने नया पीरियड में एंटर किया है, विच इज द ईयर, यानी 2024 जो है वो ईयर ऑफ वुड है।
ईयर ऑफ वुड यांग वाला है, मतलब कि विशाल, और ड्रैगन 9 नंबर से रिलेट करता है। तो और इस साल जो डोमिनेंसी रहने वाली है वो स्टार 3 की रहने वाली है। तो जिस जिस ईयर की, जैसे लास्ट ईयर नंबर 2 का था, तो इस साल वो आगे यांग एनर्जी आगे चली तो उसने 3 नंबर हमें दिया। तो अगर आप लोशु ग्रिड में देख रहे हो तो ये 3 जो है वो सेंटर में जाता है। ये फ्लाइंग स्टार टेबल है, दिस इज अ लोशु ग्रिड विच इज अकॉर्डिंग टू द ईयर। ये फ्लाइंग स्टार का टेबल है, आप खाली नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा और डायरेक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। फ्लाइंग स्टार को अभी आप भूल जाएं, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। तो आप ये, हम ये देख रहे हैं कि भाई ऊपर ये लोग साउथ रखते हैं, नीचे ये लोग नॉर्थ रखते हैं। तो नॉर्थ में जो है नंबर 8 आ रहा है और साउथ में नंबर 7 जा रहा है, और आपका जो साउथ वेस्ट है उसमें नंबर 9 आ रहा है, विच इज द ईयर का जो, अब जो ये पीरियड स्टार्ट हुआ है उसका नंबर यहाँ पर आ रहा है। और जो साउथ ईस्ट है उसमें नंबर 2 जा रहा है और उस ईस्ट में नंबर 1 आ रहा है। तो और नीचे जो है अभी आप देख रहे हो कि भई ये आपका नॉर्थ ईस्ट में नंबर 6 है, नॉर्थ वेस्ट में नंबर 4 है। यानी आप ये देखो कि आप सिर्फ 7 नंबर के ऊपर साउथ है और 8 में नॉर्थ है, और यहाँ पे 1 एक्चुअली में ईस्ट है और 5 में वेस्ट है। कोई भी कोल्ड तो आइटम नहीं था ये जो वैसे, मेरे लोशु ग्रिड है ये इस को साल की तो फ्लाइंग स्टार्स हैं। तो कुछ हम ये कहेंगे कि भाई नहीं है, मिनिमम आधा किसी, घंटा क्या या प्लीज आवाज आ रही है, एक घंटा म्यूट कर लें। फिर से प्लान हम ये कहेंगे कि जो साउथ वेस्ट है वो एरिया इस साल एक्सपेंशन का रहेगा, बिकॉज नंबर 9 है। और ये साल जो है आप सबके लिए टू मेक योर लाइफ, क्या मतलब आपने कर्म भी कमाना है, आपने धन भी कमाना है, उसके लिए पहला रूल आप लोगों के लिए और सबके लिए ये रहेगा कि भाई इस साल के जो श्राद्ध आए अपने पितरों को जरूर पूजें, बिकॉज जो एक्सपेंशन आ रही है वो साउथ वेस्ट से आ रही है। आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को कि भाई इस साल जो श्राद्ध आएंगे आपने अपने पितर को पूजना है, यानी आप उनके नाम से खाना दान दे सकते हो या तर्पण कर सकते हो। दूसरी चीज कि भाई आपके जो डिपार्टेड सोल्स हैं, आपके घर के जो डिपार्टेड सोल्स हैं, उनकी जब डेथ एनिवर्सरी आएगी इस साल, तो उनके नाम पे आपने कुछ ना कुछ दान जरूर देना है जो उनको अच्छा लगता था। अब जिस उम्र में वो गए, भाई जो सी उम्र थी उनकी, जिस उम्र में वो गए उस उम्र के इंसान को ही दान देना, क्योंकि ना तो आप वो कर सकते हो, और गुरुजी या आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके, आप अनम्यूट नहीं हो रहा है आपसे। यूज आप करते अभी भी म्यूट हैं हैं अभी म्यूट है ना। हाँ ठीक, जी। सॉरी क्या। हाँ तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि जनरल वास्तु और जो हमारा इंडियन वास्तु और ये फेंग श्वे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखिए हमारा देखिए पंच पंच धातु पंच ये है, क्या बोलते हैं, पंचभूत है उन लोग का, पंच मटेरियल टाइप का है, तो इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखें, वास्तु और फेंगशुई में डायरेक्शन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि भाई जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे काल जो वास्तु पुरुष है उसका सर आता है, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई वो शिव जी का वहां पे सर है और वो पैर जो है साउथ वेस्ट की तरफ से एग्जिट हो रहे हैं, हाँ तो जी हम उस फिगर को वहां पे बिठाते हैं। अगर हम वही फिगर यहाँ पे भी बिठाएं, अगर आप लोशु ग्रिड देखें तो वही फिगर आप यहाँ पे बिठाएं कि भाई आपने नॉर्थ ईस्ट जो है वो 6 नंबर जहाँ लिखा है वहां नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे आपने सिर बनाया और पैरों को आपने वहां से बाहर कराया साउथ वेस्ट से, तो है सिमिलर। खाली इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने ये माना कि जो इनको टॉर्टोइस या टर्टल दिखा, जो हमारे टाइम में हम पढ़ते हैं कि भाई वो विष्णु जी ने मंथन में यूज किया, वो जो मंथन हुआ था उसके ऊपर, वो मंथन की वजह से वहां पे लाइन, ये जिक्र है फेंगशुई में चाइनीज टेक्स्ट में, ये जिक्र है कि ऐसा था कि भाई उस पे वो लाइंस बनी हुई थी, और वो जो उनका जो चाइनीज स्कॉलर्स जो थे उनके, उन्होंने इसको समझा इस चीज को। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है।
लेकिन हम उसको जैसे अब चीजें चेंज करनी, हम वस्तु में पंच तत्व को इतना महत्व नहीं देते। हम क्या कहते हैं, अरे साउथ ईस्ट है ये आपका फायर जोन है, यहाँ पे जो है पानी नहीं आना चाहिए, वो तो सब पता है, वो तो हम फेंगशुई में भी वही बोलते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है कि जो हम लोग ये कहते हैं कि 45 देवताज की फील्ड होती है वास्तु में, भाई हमने वास्तु को 45 देवताज की फील्ड में बांटा हुआ है, देवता है उसमें, यक्ष है उसमें, राक्षस है, ऐसे उन्होंने हमने बांटा हुआ है। तो ऐसे उन्होंने क्या कहा कि भाई हम इसको जो हमें लोशु ग्रिड मिला उस पे हम उसी के हिसाब से डायरेक्शंस पे चलेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है, हम इन्हीं पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। तो हाँ जी एक्चुअली देखा जाए तो है कुछ डिफरेंस नहीं, हम वास्तु में भी पंच तत्व बैलेंस करते हैं अपने हिसाब से जो हो नहीं पाते क्योंकि हम उसमें तोड़फोड़। ठीक है, अगर आपने वास्तु को शुरू से फॉलो किया है, आपने जब घर बनवाया तो आपने ब्रह्मा आयना और वो सारी जो फील्ड्स हैं आपने एक्टिवेट वाइजली करी, तो आपका वास्तु से हो गया। लेकिन एक बार जब वो घर बन गया, जब उसमें ऊर्जा आ गई, उसके बाद आप वास्तु को अप्लाई कितना भी कर लो वो चेंज नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा जो है वो वैसी बनी हुई है। ऐसे ही लोशु ग्रिड में भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई आप जो बैलेंस इनबैलेंस है हम उसको पांच तत्वों से बैलेंस कर सकते हैं। अब उसमें जब आप देखोगे इसमें तो वो हम अर्थ से ही रिलेटेड सारी चीजों को बैलेंस करेंगे, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप सीलिंग पे टांग दो या कुछ, हम उसको जहां पे हमें वो बैलेंस देना है हम उसी पॉइंट पे उसको आएंगे। वैसे ही हम वास्तु में करते हैं कि भाई ये देवता फील्ड है आप यहाँ पे ये रख दे, बट वो देवता फील्ड जो है सिंस इट्स अ देवता फील्ड और वो पहले से बना हुआ है और उसमें दीवार हो सकती है, पिलर हो सकता है, नीचे से कोई पाइप जा सकती है, तो वो देवता फील्ड तो ऊर्जित ही नहीं हुई, आप उस पर कुछ भी रख दो इट्स अ डेड एनर्जी। तो वहां पे हम फेंग शुई को यूज करते हैं, विंड एंड वाटर, बेसिकली ये हवा का काम है, फ्लो का काम है। तो हम क्या करते हैं, हम घी को मूव कराते हैं। आप देखो तो सेज का या हमारे घर में जो लुबान जलाई जाती है सैटरडे को रात में, उसमें हम वेरियस हर्ब्स से वो धुआं करते हैं, घर में धुनी करते हैं, तो वो चीजें हमारे पूर्वज कर रहे थे जो हम अब नहीं करते। तो वो क्या करते थे, वो फ्लो करते थे, वही फेंग शुई है। ऐसे हमने नाम अलग अलग है, तरीके हमारे थोड़े अलग है, उनके अलग है, उस कंट्री मटेरियल का जो जो यूज करते एनवायरनमेंट। हैं अलग है, मटेरियल सिंबल्स हाँ वगैरह अलग है, लेकिन हमारे करेक्ट, पास एक एनर्जी वास्तु, शक्ति के द्वारा वास्तु को बैलेंस किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये सब चीज को आराम से कर सकते हैं। आप जो बताए वास्तु में भी उसमें कुछ मंत्रोच्चारण हुआ, कुछ यंत्र का प्रयोग किया गया, हाँ लेकिन महामेरु का देखें वो जो यंत्र प्रयोग हैं किया गया। और वो सारी चीजें हैं, मैंने अपने लाइफ में इतने टाइम में ये देखा है कि वो चीजें कुछ परसेंटेज तक काम करती हैं, लेकिन नहीं, जब हम साधना बाजी करना चाट पड़ेगा, में सिर्फ रख देने से नहीं एलिमेंट्स होगा। बैलेंस कर लेते हैं एक इंसान के, तो घर का किया हुआ पेंशुए भी वो फटाफट काम, और वो आपको 70-80% रिजल्ट देती है। वैसे वो आपको नहीं, बीस मेरा से बोलने बाईस का है ये, परसेंट सिर्फ एक आप यदि वो यंत्र को स्थापन कर तो दिए तो होगा नहीं, उसको साधना करना पड़ेगा उसका, तभी होगा। हाँ, तो इतना कोई किसी के पास टाइम नहीं जैसे है ना कि कोई आप बैठ के बताए साधना 45 करे। डायरेक्शन है ना, 45 डायरेक्शन, हर डायरेक्शन की कोई शक्ति है, देवता या यक्ष रख जो भी सिंबल है। है, शक्ति है, उसका वो हाँ, तो सारा उसको साधना करके गंतुक जागृत है। करना पड़ता है। हाँ, हाँ लेकिन वो इतना किसी के पास टाइम नहीं है ना आजकल कि भाई कोई जागरूक नहीं, करे। वो सही बात है, जो देखें सीरियस है वो कर अभी, सकते हैं, ऐसा नहीं, हाँ आपके या पेट में एक्सपोर्ट दर्द कर है तो सकते मैं तो दवाई या नहीं खा एक्सपोर्ट सकती कर ना, सकते दवाई हैं। तो आप हाँ इनको नहीं, सही खानी बात है नहीं, वही मतलब मैम। मेरा बोलने का है, जैसे कोई एक्सपर्ट है आपके जैसे, वही करेंगे, साधारण लोगों के पास उतना बट एक पेशेंस नहीं बात मैं होता। आपको बता दूं कि हाँ चाहे जी कोई भी एक्सपर्ट हो वो किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसके जिसको तो उर्जित करना है वो ही हाँ जी, करेगा तो ही होगा। तब तो बहुत मुश्किल है ना, साधारण लोग कैसे करेंगे सब। तो तभी तो आधी चीजें काम नहीं करती, ये चीज तो हमने समझी नहीं ना। भाई आपको किसी बेचारे को कैंसर है, कीमो तो वही करवा रहा है, बाकी तो सब खड़े हैं, बाकी करवा लो उसके लिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। जब ऊपर वाले ने ये रूल्स बना दिए हम उसको बदल नहीं सकते। वही मैंने आपसे कहा ना कि जो हेवन से आया है, जो आपका हेवन लक है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते।
हम एक ही खाली तरीका अर्थ है को, कि वो जो देवता है उनको जागृत करना है, तो उस एनर्जी जो फ्लो करेगा उस एरिया में, देन इट विल बी बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली। लेकिन वो फ्लो करके जाएगा कहाँ? बाकी नहीं, बाकी उसका अगर रास्ता डेड दिखाना एनर्जी पड़ेगा। है, बाकी अगर डेड एनर्जी है वो कहीं नहीं जाएगा, वो ही खड़ा नहीं, रहेगा। उसको उसको बैलेंस करना पड़ेगा उस मुताबिक, जैसे मतलब जहां डेड है तो उसको लाइव करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। वो और अर्थिंग करते हैं बिल्कुल लोग, बट हाँ जी, उसका जो है वो काफी उसका वो रहता है, रेयर है वो, मतलब मतलब ऐसे लोग भी हाँ मिलते नहीं है। हाँ जी, मैम। हाँ जी, एक दूसरा चीज, दूसरा चीज़ एक चीज मैं, मैं भी पूछ लूँ, एक क्वेश्चन प्लीज मैम एक मिनट से। एक मिनट, मैं पुराना चीज के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। तो पिछला क्वेश्चन था गणेश जी के बारे में, तो तीन टाइप के गणेश जी बोल रहे थे। तो देखिए, हमारे पास जो है इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन चीज है। तो जब सीधा रहता है तो सुषुम्ना एक्टिव रहता है, और जो भी पूजा करते हैं तो उनका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाता है। जब लेफ्ट के ओर रहता है तब इड़ा नाड़ी, जब राइट के ओर जो है पिंगला नाड़ी। तो इड़ा जो है ज्यादा मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट देता है, और पिंगला जो है ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट रहता है उससे। तो ये जिनको जो चाहिए, जिनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए वो वाम मार्गी चाहिए, वाम साइड, वामावर्ती चाहिए। और जो स्पिरिचुअल चाहिए जिनको, मतलब इन्फिनिट डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, भोग और मोक्ष, जिनको भोग ज्यादा चाहिए लेफ्ट, जिनको मोक्ष ज्यादा चाहिए राइट, और जिनको पूरा ऊपर जाना है प्योर सुषुम्ना में आना है तो पूरा सीधा गणेश। तो यही बोलने का था। ठीक है, आप पूछिए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। मैम आप ये बोल रहे थे ना अभी कि द पर्सन, जैसे किसी की दो हस्बैंड वाइफ है, लेट्स सपोज दे आर हैविंग सम रिलेशनशिप चैलेंजेस, ठीक है, तो उनका वुड एलिमेंट मिसिंग होगा, तो उसको आप ट्रीट करते हैं ऐसे होता है? देखिए वो आपको दोनों देखने पड़ेंगे श्वेता जी, उस केस में दोनों के चार्ट्स जो अच्छा। है ना हम रीड करेंगे, और उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या ज्यादा है और किसके पास क्या कम है। अच्छा, प्लस तो उसमें मतलब हम ये हमें, भी देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी मैम बताएं। हम उसमें ये भी देखेंगे कि घर की जो फेंगशुई होगी हम वो भी चेक करेंगे कि भाई आपका जो वो प्लेसमेंट्स कैसी हैं। प्लस अच्छा इसके अंदर कुछ क्योर्स ऐसे भी आते हैं कि एलिमेंटल बेस के ऊपर हम हस्बैंड वाइफ का जो ऑफिसर और वेल्थ का जो हम कॉन्सेप्ट है इनमें फेंगशुई में, हम उसको एनहेंस कर देते हैं, उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। ओके और तो कुछ पीपल सालों के हु आर बाद तो बोर्न लेट्स सपोज इन सिडनी, लेट्स सपोज इन दुबई और एनी एरियाज, तो उनको, उन लोगों को कैसे आप ये चीजें करवा सकते हैं? लाइक उनको तो हम कोई चीज भेज नहीं सकते, वास्तु की भी कोई चेकिंग, मतलब यहाँ से नॉर्मली वास्तु को कर देते हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं आ पाता क्योंकि उनका और हमारे में जोनल डिफरेंस हो सकता है या हाँ, तो टाइमिंग्स का उसमें वो। नहीं, जोनल की तो आप बात छोड़ दो, जो एलिमेंट चार्ट में मिसिंग है वो तो मिसिंग है ही, वो तो एलिमेंट है, हाँ जी उसकी जो आप चीजें उनको बताओगे वो आप देख सकते हो कि भाई आप भिजवा सकते हो बना के, या आप सामने वाले को जो जैसे हमने अभी संध्या जी को बताया था कि भाई वो ग्रीन पॉट और वो सब, तो ऐसी काफी सारी चीजें आप बना पाओगे उनको। जैसे आपका क्लाइंट है, आप उससे रेमेडीज, मतलब वो आपके ऊपर है कि भाई आपने क्या उससे चार्जेस लिया, उसको आप रेमेडीज को देना चाहते हो या वो खुद बना सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे उसको दोगे। और जैसे कोई एडिक्शंस में है, स्ट्रॉन्ग एडिक्शंस जो मतलब इंजेक्शंस और वर्स्ट वर्स्ट जो एडिक्शंस में होगा, तो उनके वो वाले एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करेंगे? लेट सपोज कोई बहुत ज्यादा ट्राई करके भी हॉस्पिटलाइज हो रहा है बार बार, एक ऐसा पेशेंट है जिसको डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उनका कोई एलिमेंट खराब होगा ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स उसका खराब होएगा, जब हम बाजी पे उसका चार्ट लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं वही सिर्फ मैम पूछना चाह रही थी कि कोई दो पर्सन्स की, एक तो रिलेशनशिप और एक हेल्थ, कैसे इम्पैक्ट करती है फेंगशुई के अकॉर्डिंग, और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? मुझे दो चीजें पता करनी थी जो बहुत ज्यादा लोगों को बार बार हेल्थ और रिलेशनशिप्स ज्यादा मैटर करते हैं, तो वो ये चीजें जो बार बार लोगों की रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और काफी ज्यादा परेशान होकर आते हैं लोग। एक तो अभी पीछे किसी ने बताया कि किसी ने जो होता है ना वुडन स्टिक से मार दिया अपनी वाइफ को, तो वो इतना ज्यादा कि मतलब व्हाई डोंट दे गेट डिवोर्स्ड, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना वायलेंस घर में। मुझे तब हाँ, तो लगा वो कि सारी ऐसा, चीजें वही है ना, पंच तत्व का खेल है।
और वो मानने को होते नहीं है, वो समझते नहीं, नहीं हमारा तो वास्तु फ्रेंडली हाउस है, हमें ऐसी चीजें तो हो ही नहीं सकती, ये क्यों हो रहा हमारे साथ, दशा में भी कहीं इंडिकेट नहीं हो रहा। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली तंत्रिक बता देगा ऐसा, चीजें हेल्प हो जाएंगी उनकी उससे, मेरे को वही पूछना था आपसे, वो ये सीखना चाहती हूँ मैं, इसीलिए मैंने पूछा आपको मैम इन सब हाँ, इसमें चीजों। आपको काफी चीजें रिलेट हो जाएंगी अच्छा मैम। रिलेशनशिप में आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो पीच ब्लॉसम, वो टॉपिक पीच ब्लॉसम ओके में कवर होएगा। ओके मैम। थैंक यू मैम। पर्सन जी, हुज मेंटली डिप्रेस्ड, हाउ हाउ टू ट्रीट दैट पर्सन? सारे वो भी आपके 5 एलिमेंट्स। वही हैं, पंच जी। तत्व। तो उसमें उसमें कौन सा एलिमेंट मैम ज्यादा वो करें? डिपेंड करेगा ना संध्या जी, आपका तो अच्छा वुड, पहले वुड को करें, वुड एंड जी जी वाटर। जी जी हम तो अपना करें, किसी और का पूछ रहे थे मैम। हाँ, उसके तो फिर वो चार्ट देखना पड़ेगा ना पूरा। ओके मैम से कब से स्टार्ट होगा ये और क्या इनका अमाउंट वगैरह रहेगा? वो अभी आपको एकेडमी से पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट। राखी जी, आपका कोई सवाल है पूछें। पीयूष जी, आपका कोई सवाल है? मैम सत्या आंसर हो गया, जी? आंसर हो गया मैम। अच्छा, ओके ओके ओके। सत्या जी? मैम एंगर मैनेजमेंट नमस्ते। अपन हाँ जी, वो एंगर सारी मैनेज। चीजें, आप जितने वर्ड्स बोलते जा रहे हो ना, हर चीज 5 एलिमेंट्स, जी। तो यिंग एंड अनलेस यांग, वी एंगर रीड मैनेजमेंट यिंग एंड यांग का बैलेंस। ओके। जी सत्या जी, जी मैम नमस्ते। मुझे थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज है, जैसे कि आपने बोला पांच तत्वों में, वो डे टू डे लाइफ में आपकी कहना बिल्कुल सही है कि वो बैलेंस नहीं हो पाता है, इसी से जो फेंगशुई से हो सकता है, थोड़ा मेरे को इजी लगा। तो जैसे तो एक जैसा मैम एक को मैम आपने का कुछ आपने कुछ तो, तो जैसे कि आपने मैम को थोड़ा हेल्प करके बताया कि आउटसाइड जाके पानी दे सकते, कुछ कर सकते, मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? एक्चुअली मैं अभी गुरु जी आपसे रेखी के बारे में क्लास ले रहा हूँ, मेरा खत्म नहीं हुआ, ये वाला कब स्टार्ट होगा, कब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स आप होगा तो आप बता सकते क्या? सर, अभी जो है ना, ये वेबिनार बहुत लंबा हो गया है, तो सर अभी तो मैं नहीं, मेरे को आप बस क्लास में दो जो है मिनट आप की बात चार्ट्स, दो पूछने मिनट वाला की था मैं बता देंगे आपसे, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा मैम, प्लीज मैम। सत्या जी, पूछने मैं वाला था आपको आपसे जो है ना, वो इसी जो रेमेडी कैंडलिंग। देने की कोशिश कर रही हूँ उसको आप जी ले लीजिए, उससे काफी मदद होएगी। जी ये जो चार्ट रीडिंग है जी ना, जी ये जी जब हम क्लास में आएंगे तो हमारे पास बहुत टाइम है, उसमें हम एंड में जी हाफ एन आवर में लोगों के चार्ट्स ही देखेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चाहिए होएगा इसके लिए। हम हाँ खाली जी थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ा के छोड़ेंगे, उसमें आपको जी प्रैक्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ही आपको इनकी साइंस समझ में आएगी। जी 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 आई जस्ट चेक माई चार्ट मैम, पीच ब्लॉसम बाई बाई स्प्रिंग दिखा रहा है, तो आई एम लुकिंग हाँ, फॉरवर्ड। वो करेक्ट, वो पीच ब्लॉसम का आपका सिंबल एनिमल क्या है? मैम उतना समझ में नहीं आया, आई सॉ दैट अच्छा, इन दैट बाजी कैलकुलेटर। मेरे में मैडम पीच ब्लॉसम ना, पीच ब्लॉसम बाई पूल दिखा रहा है और एनिमल रैबिट दिखा रहा है। कौन कौन बोल रहा है? मैं एक पीयूष बार बोल रहा हूँ, हाईलाइट करें अपनी। हाँ, पीयूष, पीयूष 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 जी, रैबिट दिखा रहा है ना, तो जी ठीक है ना, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी नहीं हो सकता, आप तो बहुत डरते हो, छोड़ थैंक यू मैम। दो। अच्छा मैम ये डेट ऑफ कंपेयर जो होता है, इसका क्या मतलब होता है? ये जब हम क्लास में पढ़ चार्ट लेंगे करेंगे ना। ना, हाँ, जब हम चार्ट डेट कंपेयर, मतलब कि आपका जो चार्ट है और आज का दिन आपके लिए कैसा है, जैसे हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं ना, मेरा आज का दिन कैसा अच्छा जाएगा, अच्छा अच्छा ओके ओके। वैसा। और मैम ये जो अपोजिट एलिमेंट दिखा रहा है मेरा, 51% दिखा रहा है, वो छोड़ दें, वो परसेंटेज वो छोड़ दें, जब तो आप उसको बैलेंस एक-एक करने के भी कुछ अपनी, तरीके होते हैं क्या? हाँ, वो बैलेंस करने के होते हैं, जैसे हमने संध्या जी का पकड़ा ना, हाँ और वो डिपेंड करेगा कि जैसे हमने इनका 10 ईयर का लक देखा, कि भाई ये जो जिस एज से हैं उसके जी अंदर कौन सा एलिमेंट एलिमेंट चल रहा है, और ऊपर जो है उनके बर्थ चार्ट में वो एलिमेंट है कि नहीं है, तो उसको वहां से बैलेंसिंग भी आती है।
और ये नीचे ना मैम ये काफी डिटेल्स भी दिखाता है, जैसे बर्थ चार्ट और लक पिलर्स जो दिखा रहा है उसमें भी वो जो परसेंटेजेस दिखाता है वो क्या मतलब, ये जैसे एक तो नाम के नीचे दिखाता है और एक डेट ऑफ नहीं, वो कंपेयर, आप डेट ऑफ छोड़ कंपेयर दें मतलब क्योंकि आपका वो जैसे हमारे भी जो एस्ट्रो सेज और वो नहीं होते, वो लिखते हैं ये दशा ये वाला प्लेनेट आपका, वो जो जर्नल उन्होंने लिखा होता है वो वैसा है। थोड़ा एक्स्ट्रा जो जब डिटेल्स आप है मतलब। चार्ट, जैसे हम लोग जब चार्ट खोलते हैं तो इंसान जो हमसे पूछ रहा है हम उसको ढूंढते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि भाई खाली हम उसकी लाइफ का उस प्रेजेंट को देख रहे होते हैं और फ्यूचर को वो पूछता है। तो ऐसे ही हमें भी इसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर, वो परसेंटेज को हम इतना वो नहीं कहते, हमें जो बैलेंसिंग चाहिए, प्लस हमें ये देखना है कि भाई ये टाइम पीरियड कैसा है, आपका लक कब बदलेगा, आप कौन सी चीज अभी किस तरीके से, आप जैसे दिन का है कि भाई आज दिन में आपको कोई जॉब के लिए जा रहा है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी सारी चीजें होती है। ओके okay. तो आज मतलब दो हर बजे दिन क्लास है मैम का एक जी। लास्ट क्वेश्चन, तो वीके जी जैसे ये पूछे। सॉरी मैम एक बस एक लास्ट क्वेश्चन, तो ये जैसे हाँ डेट ऑफ कंपेयर वाली कहानी है, तो जिस दिन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वो हर दिन चेंज होएगा क्या मैम? हाँ 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 हर दिन चेंज होएगा ना अच्छा ओके 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 फिर ठीक है मैम, यस जी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे, एक तो ये जो चार्ट है ये कहाँ से हम देख सकते हैं अभी फॉर प्रेजेंट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड ये है कि मेरी डॉटर को बहुत हाई फीवर चल रहा है अभी, तो जैसे कि मुझे समझ में आया कि इस वक्त फायर एनर्जी बढ़ी हुई है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें और कैसे मतलब इसके लिए कोई रेमेडी है अभी? देखिए फायर को रिड्यूस वाटर कौन करता है? फायर को कंट्रोल करता है वाटर, ओके रिड्यूस कौन करता है? अर्थ अर्थ एलिमेंट अर्थ, अर्थ रिड्यूस कर देगा ना उसको। जी तो अर्थ हमने क्या कहा था? अर्थ हमने कहा था आपकी प्लांट की सॉइल हो गई या डेजर्ट हो गया, यांग एनर्जी और वो, तो यानी उसके पास अर्थ की बिल्कुल कमी होगी या वो यिन में होएगा, यांग में नहीं होएगा। अर्थ को बर्थ कौन देता है? फायर ही देती है ना। और अर्थ किसको बर्थ देता है? मेटल को। मेटल मेटल अर्थ को को भी रिड्यूस कर देता है। तो आपने एक चीज को नोट करना है कि उस लड़की ने कोई ज्वेलरी ज्यादा पहनी हुई है या उसका जो बिस्तर का जो जहां उसका हेड रखती है वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में रख रही है। अर्थ क्या है मैम उसका? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ में है, साउथ की तरफ है हेड तो तो फायर की तरफ ही सर रख रही है ना, तो अब आप उसको कहाँ ओके शिफ्ट करवाओगे? नॉर्थ नहीं, नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अच्छा ओके अर्थ एलिमेंट के टू एंड पास। फाइव इज द अर्थ एलिमेंट। ओके ठीक है, तो आप उसको साउथ वेस्ट में उसका सर करवाएं। और दूसरी चीज कि भाई उसका जो अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट जो है वो आप टू एंड फाइव से हम रिलेट करते हैं। टू एंड फाइव में आप ये देखें कि हमारे हिंदू हिंदू धर्म के हिसाब से एक बुध आता है और एक शुक्र आता है। वीनस एंड बुध होता है ना, वीनस एंड मरकरी, टू एंड फाइव, करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज? यस मैम, ठीक है, नॉट अब टू आप ये रिप्रेजेंट्स देखेंगे मून, नॉट शुक्र सर, नंबर टू इज इज हाँ मून, इज मून मून, नॉट मून सॉरी मून एंड वीनस, मून एंड एंड मरकरी, विनस मून मून एंड मरकरी। तो आप फाइव जो है उस चीज को एनहेंस कराओगे, तो कैसे एनहेंस कराओगे? आप उसको जो है चावल ओके या हरी मूंग उसको खिलाओगे, ठीक है, और उससे दान क्या करवाओगे? इनकी तो अलग ही परेशानी। लाल मसूर की दाल, क्योंकि वो फायर है। सॉरी मैम कैन यू रिपीट? फुल लाल मसूर की दाल, फुल मसूर, मसूर अच्छा ओके मूंग उससे चावल दान करवाओगे मस और अच्छा मसूर हाँ उसको खिलाओगे क्या? चावल और मूंग, चावल और मूंग अच्छा ओके दैट तो उसका फीवर कंट्रोल आ जाएगा। इज खिचड़ी। खिचड़ी भी बना सकते हो या दाल बना के, मूंग दाल बना के चावलों के साथ दे और सकते चावल के हो। साथ यस मैम।
तो ये क्या हो गया, ये आपकी पर्सनल एलिमेंट बैलेंस हो गया ना, जिस चीज की आपको अभी जरूरत है। बाकी जब आप उसका चार्ट रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फॉर फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अभी इस साल की जो रेमेडी जो आप लोग थैंक यू को करनी चाहिए अपनी वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, घर में आपने क्या करना है, रिवर रॉक्स होती हैं, रिवर रॉक्स जो होती हैं वो जैसे हम गार्डन में लैंडस्केपिंग के लिए यूज करते हैं, रिवर रॉक्स होती हैं जो कि हम गार्डन में लैंडस्केपिंग के लिए यूज करते हैं, वाइट कलर में आती हैं, आपको अमेजोन से भी मिल जाएंगी, आपके नर्सरी वाले के पास भी मिल जाएंगी, या अगर आप कोई नदी के पास रहते हो वहां पे जो किनारे पे जो रॉक्स होती हैं वो भी आप ला सकते हो। आपने 9 रॉक्स को लेकर आना है घर में, उसको गोल्डन स्प्रे पेंट मार लो और उसको आपने माउंटेन की तरह ग्लू कर लो, मतलब एक माउंटेन बना लो गोल्डन रॉक्स का, 9 उन रॉक्स को आपने माउंटेन बना लेना है ग्लू के उससे, तो वो माउंटेन की शेप में बन जाएगा। अब आपने अपने मेन डोर से जब आप बाहर निकलो, चाहे आप फ्लैट में रहते हो घर में रहते हो, मेन डोर से जब आप बाहर निकलो तो आपके लेफ्ट साइड पे, बाहर जब आप जा रहे हो तो लेफ्ट साइड पे आपने उसको प्लेस कर देना है विद जेड प्लांट, एक छोटा सा गमले में जेड प्लांट को लगा दो और उसको वहां पे दोनों चीजों को प्लेस कर दो जमीन पे। और जैसे कि कौन सा प्लांट, सॉरी कौन सा प्लांट, जेड, जेड जेड मुझे नहीं पता है, वो बटन वाले छोटे छोटे पत्ते आते हैं ना, कोई फोटो वोटो है मैम आप दिखा सकते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ मैं ये रेमेडी किसके लिए वो थोड़ा बताएंगे, ये जो वेल्थ के लिए वेल्थ के लिए इस साल की ये रेमेडी है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी। 2024 फ्लाइंग स्टार का के लिए बोल रहे हैं आप, ये किसी भी दिशा में हो सकता है या नहीं? आपका आपका घर किसी भी गेट, मेन गेट किसी भी दिशा में हो, ये जो एलिमेंट्स हैं हमें रखने हैं अपने मेन दरवाजे के बाहर। जब दरवाजे के बाहर यानी मेन डोर के बाहर, जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो लेफ्ट पे होगा, करेक्ट, और जब आप घर के अंदर घुसोगे तो राइट पे होगा। तो मैम लेकिन वहां तो हमारा जो है उधर तो आने जाने का रास्ता है मैम, क्योंकि पड़ोस का फ्लैट बिल्कुल उधर की तरफ है लेफ्ट साइड। हाँ तो ये तो बनता इतना सा है, छोटा सा है तो रिवर लेक रॉक्स होती है, इतनी होती और है। ये तो घर के बाहर रहेगा, कोई उठा के ले जाएगा मैम हमारी वेल्थ को? रिवर रॉक्स कैसे होते हैं दिखने में? जैसे आपके व्हाइट व्हाइट पत्थर होते हैं, व्हाइट व्हाइट हाँ, पत्थर होते व्हाइट व्हाइट पत्थर होते हैं लैंडस्केपिंग में आप लोग जो यूज करते हो ना अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, सोसाइटी वगैरह में जो होते हैं। ओके ओके, व्हाइट व्हाइट से जो पत्थर होते हैं। ओके हाँ मैम, ये पेबल्स तो अर्थ एलिमेंट हो गए, ये जो जेड प्लांट है ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम एक्चुअली वुड क्या हो कर गया रहे ना, हैं? ओके वुड हो गया ना, तो वुड और अर्थ एलिमेंट को हम एक साथ लेके आ रहे हैं। हाँ वुड और अर्थ एलिमेंट को हम लेकर आ रहे हैं, और जो पॉट है वो सिरेमिक का होगा। ओके तो ठीक है, वो भी अर्थ हो गया। अब उसके अंदर आप जेड प्लांट को पानी भी डालोगे भाई, उसको ग्रो भी तो करवाओगे। वाटर वाटर आ गया, ठीक है, और अब जो उसका जिस जगह पे आप प्लेस करोगे, खाली इसके अंदर एक एलिमेंट हम नहीं यूज कर रहे वो है फायर। क्यों? क्योंकि हमें वेल्थ को ग्रो करवाना है, जलाना नहीं है, हमें एक्सपेंस नहीं बढ़ाने अपने। मेटल भी यूज नहीं हो रहा है ना मैम इसमें तो? मेटल भी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि मेटल क्या करता है, ग्रोथ को, वो वुड को काटता है। हाँ, बट हम अर्थ को स्टेबिलिटी, स्टेगनेंसी ऑफ द वेल्थ एंड ग्रोथ, ये दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। और दूसरा क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ये ड्रैगन का पीरियड स्टार्ट हुआ है विच इज फायर, तो वो की तो उसकी है, वो की में तो आ गया। मैम रिलेशन भी ठीक करेगा लोगों के, क्योंकि फायर को हम कम कर रहे हैं इससे वाटर बढ़ा रहे हैं घर का। एग्जैक्टली वो आपने मतलब कि वो जो घर में जो की अंदर जाएगी, जो फ्लो अंदर जाएगा, उसको वो बैलेंस करके भेजेगा तो फायर कम होगी लोगों श्वेता की। जी एक चीज है, देखें सारी चीजें जो है ना कहाँ आके अटकती है, पैसे पे अटकती। अच्छा
घर में पैसा आ रहा है ना, हस्बैंड वाइफ दबा के पैसा आ रहा है घर में, तो वाइफ को भी कोई झंझट नहीं है, पति को भी कोई झंझट नहीं है, उसका अफेयर भी चल रहा होगा पति का, तो भी बीवी आंखें बंद कर लेगी, कोई कहीं लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई वहां होती है जब पैसा रुकता है, जब इंसान की सप्लाई पा रुकती है, तब पर अगर सारी चीजें बार याद बार आती साथ हैं। में गड़बड़ हो जाए रिलेशन लोगों के, जैसे अपने ऑफिस में, जैसे अपने दोस्तों में, उनसे विचार ना मिले, तो वो भी फायर की वजह से ही, घर के फायर एलिमेंट्स ठीक हो सकते वो हैं ये उसके वाले? पर्सनल एलिमेंट्स की वजह से है, अच्छा, तो वो भी फेंगशुई से ही देखते हैं? वो भी फैंसी से देखते हैं। ओके एक मिनट प्लीज मैम, जब वो डोर से एंटर करते हैं, वो लेफ्ट साइड रखना है कि राइट साइड प्लीज एक हाँ, बार? लेफ्ट साइड, जब डोर से आप एंटर करते हो तो आपके लेफ्ट साइड, सॉरी, जब आप डोर से बाहर आते हो तो आपके लेफ्ट साइड पे होगा, जब एंटर करोगे तो वो राइट साइड हो जाएगा ना। जी जी ठीक आप है, अपने घर के अंदर जा रहे हो तो जी राइट आपका राइट हो गया, घर हो, जी जी के बाहर आ रहे हो तो आपका लेफ्ट हो गया। जी जी ठीक है मैम, मैम, समझ क्या गया। ये रिवर रिवर्स, ये जो हम सब नदियों के किनारे से उठाते हैं, दैट इज द स्टोन ओनली, रिवर राइट? रॉक्स, यस। थैंक यू मैम। तो मैम क्या ये इसको फ्लैट के दरवाजे के बाहर नीचे जमीन पे ऐसे रख देना पड़ेगा? नहीं, उसके नीचे आपको जो है थोड़ा सा, इसके नीचे आपको जैसे वो आता है ना, हमारे पूजा में हम पाठ यूज करते हैं, जी कोई भी थोड़ा सा एलिवेटेड वो हो, ताकि उसके नीचे से भी फ्लो हो सके, मतलब छोटा सा जैसे पाठ होता है ना कोई भी, लकड़ी वैसा का मैम, वुड का, एक, वुड का मैम, वुड हाँ, का, ठीक वुड है, का हो कुछ जाए आसन जैसा या मतलब रख सकते हैं। हाँ कोई भी हो, उसके ऊपर आप इसको पहाड़ जैसे ग्लू करने के बाद उसको सीधा प्लेस, गेट जी प्लांट जी करते। हमारा ना मैम चौकी सिक्योरिटी गेट भी वहीं पर, जो लोहे का ग्रिल गेट है वो भी उधर की तरफ खुलता है, वो सब हमारा शायद नहीं जमेगा। ये कुछ और अंदर रेमेडी है की तो तरफ बताइए, रख लें आप, किधर राइट की तरफ रख लें? हाँ, जैसे आप अंदर घुसते हो ना दरवाजे के, तो अंदर दहलीज पार करके अंदर अगर घर आपका के कोई अंदर, कॉर्नर आता है तो आप वहां पे भी रख सकते हो, घर मैंने के अंदर, अंदर रखा हुआ है। हाँ वो आई थिंक वो डुएबल है मैम, क्योंकि घर के अंदर तो चल सकता है, वहां पर हम चाहे तो एक नौ एक थोड़ा सा शेल्फ बना के भी रख सकते हैं हाँ, घर के मगर अंदर। ज्यादा हाई शेल्फ नहीं होना चाहिए, माउंटेन ठीक को है, ऊंचा नहीं करना, आप उसको जो है जमीन से, मतलब जो देखें बेसिकली आपका जो हाइट है उसके जो हार्ट लेवल है वहीं तक आना चाहिए, हार्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम। मैम, जेड जो है घर के अंदर रख सकते हैं ऐसा आपने बोला, और जो ये हम पेबल्स रखेंगे वो क्या हम गमले के अंदर रख दे हाँ, या गमले के गमले के अंदर भी बाहर? रख सकते हो, दैट्स फाइन, गमले के अंदर भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप बड़े पॉट में उसको जेड को लगा रहे हो तो उसमें भी रख सकते हो। राइट, ऑलरेडी जेड है घर में तो वो मैंने साउथ ईस्ट में रखा हुआ था, अब मैं उठा करके उसको घर के एंट्रेंस पे कर दूँ, कर दूँ, ये वाली चीज कर सकते हाँ, हो या गोला? सेम सेम आप यूज कर सकते हो। ठीक, थैंक यू। जी, और इस साल के लिए पहला जो मैंने आपसे बोला कि साउथ वेस्ट में इस बार जो है आपको अपने पितृ वगैरह को काफी वो देना पड़ेगा, जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनके बर्थडे पे उनको याद जरूर करें, ये भी एक इस साल की हमें फेंगशुई से रेमेडी मिलती है। दूसरा, नॉर्थ में इन्फिनिटी का सिंबल आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, विच इज द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमें क्या कहती है कि वहां पे आपकी कोई भी चीज आप रख दोगे तो वो लंबी चलेगी, यानी आप जैसे रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो वहां पे अगर आप हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगा दोगे नॉर्थ में तो उनकी रिलेशनशिप लंबी चलेगी, कोई पार्टनरशिप आप लंबी चलाना चाह रहे हो तो वहां लगा सकते हो। और जो वेल्थ का कॉर्नर आता है वो इस साल नॉर्थ ईस्ट में आता है, जिसका नंबर 6 है, तो उसमें जो है आप कुछ भी अगर आप अपना सेफ, मतलब पैसे रखते हो, कैश जरूर रखें उस जगह पे, तो 6 नोट रखें, मतलब कि कभी भी वो 6 नोट 5 नोट ना हो, 6 से 9 हो सकता है, 8 भी ना हो, तो यानी आपको रखने ठीक हैं 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन वहां बना के रखना है, कि भाई आपने क्या किया कि 600 रुपए उसको बांध के येलो थ्रेड में या येलो पाउच, सॉरी, ब्लू पाउच में या ब्लू थ्रेड में आपने उसको डाल के उस जगह पे रख दो, अब तो वो आपकी वेल्थ वहां से एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी नॉर्थ में। येलो थ्रेड से बांध देना है मैम, नहीं, सॉरी, ब्लू से, ब्लू से। ब्लू से? ओके, ब्लू थ्रेड।
ब्लू थ्रेड हो या ब्लू क्लॉथ जैसे वो क्लॉथ ट्रांसपेरेंट पाउचेस आते हैं ना, ओके ओके उसमें भी आप डाल सकते हो। ये नॉर्थ ईस्ट में रखना है मैं नॉर्थ 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 में ओके जी। मैम नॉर्थ में तो आपने कहा था हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगाना हमारे रिलेशनशिप के लिए हाँ नॉर्थ सॉरी, की नॉर्थ ईस्ट में रखना है। जी एंड साउथ में इन्फिनिटी नंबर 8 नहीं, नहीं साउथ में तो पितृ सॉरी, की पूजा नॉर्थ साउथ में में आपने इन्फिनिटी, आपने हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगानी है, नॉर्थ जी ईस्ट में आपने वो पैसे रखने हैं। जी एंड साउथ में साउथ में कुछ नहीं रखना, साउथ वेस्ट ओके कहा मैंने, वो साउथ साउथ वेस्ट में वेस्ट में आपने अपने पितरों को इस साल जो है 9 नंबर आता है वो वहां पे आप जी दान दीजिए जी जी जी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जी मैम बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमारी एकेडमी से पूछ सकते हैं, वो आपको पूरे सारे टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग दे विल लेट यू नो। थैंक नाउ यू वी मैम, हैव थैंक यू थैंक मैम इट इज यू। वंडरफुल सेशन बहुत अच्छा रहेगा वेरी नाइस एज ऑल योर प्रीवियस सेशन बेटर देन थैंक दोस्ट यू, इट्स बीन थैंक यू ऑलवेज अ मैम प्लेजर टू इट्स बीन ऑलवेज अ प्लेजर टू लर्न फ्रॉम यू। दस मैम थैंक यू इट श्वेता इज जी, थैंक अच्छा यू, लॉट थैंक बहुत यू अच्छा मैम, थैंक थैंक यू वेरी यू, मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू मैम मेरे एक डाउट एनी था। हाँ मैम लाइक करेंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई वॉज थिंकिंग टू यू नो लर्न एस्ट्रोलॉजी। सो लाइक इज इट बेटर टू लर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी और लाइक दिस फेंग शुई, लाइक कौन सा ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशियंट है एंड लाइक कौन सा इसका यू नो। जवाब तो राखी जी देना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंडियन एस्ट्रोलॉजी तो हमारी माँ है, तो वो तो मदर ऑफ ऑल है, तो वो आप उसको सीख लोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट फेंगशुई एज अ स्टूडेंट आपके लिए सीखना आसान रहेगा शुरू में। इट विल ऑल्सो गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, तो फिर आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, मतलब यू वुड एबल टू रिलेट। ओके मैम, सो यू आर सेइंग कि फेंगशुई इज मच इजियर टू लर्न एज कम्पेयर टू इंडियन हाँ, एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ मतलब उसमें जो है कैलकुलेशंस कम है, उसमें बैलेंसिंग ज्यादा है, तो इट्स अ वेरी इजी, मतलब टर्म्स आर इजी फॉर अ स्टूडेंट टू नो। ओके मैम, एंड लाइक रिजल्ट्स में कंपेयर करें तो रिजल्ट्स में हर चीज काम करती है अगर सही तरीके से किया हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके रामकृष्णन जी आप पूछें। ये जो फेंगशुई का जो आप कोर्स जो करने वाले हैं जी इसमें सारे रेमेडीज सब कवर करेंगे मैम जो हाँ फेंगशुई हाँ में हाँ वो मैंने आपसे कहा ना कि आपको बनाना भी क्लास में, क्लास वाइज क्लास आपको चलता रहेगा। ओके और इसमें आप कौन सा स्कूल कवर कर रहे हैं एक तो 8 मैंशन है या फिर फ्लाइंग स्टार आप किस पे कर मैं ज्वाइन लेट से हुआ था जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो इसमें मैं उस हम टाइम ज्वाइन किया फेंशुई एस्ट्रोलॉजी कवर कर रहे हैं, बेसिक फेंशुई कवर कर रहे हैं, फोर जो बाजी कैलकुलेटर, मतलब बाजी एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, फोर पिलर डेस्टिनी वो हम कवर कर रहे हैं, फ्लाइंग स्टार्स कवर कर रहे हैं, ओके मंथली, और घर का, पर्सनल, कुआ नंबर, मतलब सारी चीजें कवर होंगी। और ये कितने दिन का कोर्स है मैम 2 महीने का वी मीट ऑन जी। मंडे वी मीट ऑन जी, मंडे आप बाकी जितने भी सवाल हैं आपके, आप एकेडमी में कॉल करके आप बात कर सकते हैं जी जी। व्हेन आर वी स्टार्टिंग मैम आई गेस 4th of March ओके मैम जी। राइट मैम थैंक यू वेरी मच ओके, थैंक थैंक यू मैम यू, थैंक इट यू। वाज वंडरफुल बाय मैम